भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। होप सो आई एम विजिबल ऑडिबल टू एवरीवन। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी को विजिबल हूँ। चलिए गुड इवनिंग सभी को, और साथ के साथ आपको पता ही है 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी 1000 क्वेश्चन कराए थे, कल भी 500 कराए थे, आज भी अपने 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अपना आज का सेशन करते हैं स्टार्ट, और एक ही चीज है आपको पता ही, वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। रेफर कोड अमन 11 अन अकेडमी पे जो भी बच्चा जुड़ता है तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज को ज्वाइन करो, और मेरा ये जो टेलीग्राम चैनल नीचे आ रहा है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, पीडीएफ के लिए, सभी लिंक्स के लिए, ऐसी क्लासेस के लिए, इसको आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, और वाईफाई स्टडी के जितने भी चैनल्स हैं सभी को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किसी ने मुझे नजर ना लगे प्यार दिया है, और आई लव यू की मतलब कोई मुझे प्यार दे रहा है और देता है, हर क्लास में देता है। खुश रहो भाई जो भी है, ठीक है। चलिए करेंगे अपने सेशन को स्टार्ट। देखिए आज का टारगेट क्या है, दोबारा 1000 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 2 घंटे करेंगे, 2 घंटे यानी कि 8 से 10। देखो क्लास में रुकने का फायदा तभी होगा जब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और 10 बजे तक नहीं जाओगे। क्लास का फायदा तभी है जब अभी स्टार्ट कर रहे हो और 10 बजे तक नहीं जाओगे, ठीक है। तो भैया पेशेंस बनाए रखो और कंटिन्यूटी में आंसर देना, मैं 2 घंटे में कवर करा दूंगा पूरा, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। और एक और रूल है, जितने वॉचिंग होंगे उतने ही लाइक्स होने चाहिए, जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक्स होने चाहिए, वो आपको ऑब्जर्व करना है कितना करते हो। चलिए पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स डज नॉट डिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा ऐसा कर है जो राज्य सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता, ठीक है, डज नॉट टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो आंसर क्या है, मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लिया जाता, केंद्र सरकार इसे लेती है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो संयुक्त राष्ट्र है उसके जो पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फ्रेगलाय जो है इनके पहले सेक्रेटरी जनरल थे। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भाई स्पीड में देना आंसर, ठीक है, इट्स अबाउट कि आप कितनी स्पीड देखते हो, कितना आप आंसर को देखते हो, ठीक है। नॉलेज तो आपको मिली जाएगी, जिस द सोर्स ऑफ सन एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ, यार अगर मैं सन की बात करता हूं तो इधर अपना हमेशा SUN दिखाई देता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। तो भैया आज सोलर जो सूर्य ग्रहण लगा था उसकी वजह से ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार स्पेशली सूर्य ग्रहण लगा है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो डेफिनेटली सन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस, सोलर एक्लिप्स के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस, ठीक है, दिमाग में रखे हो इन सब चीजों को। हाँ भाई ये नहीं करना, इलेक्ट्रिक चेयर किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, किसके द्वारा, एल्फर्ड जो साउथ विस्ट थे इनके द्वारा। सेशन शेयर करना और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ठीक है, बढ़िया तरीके से 2 घंटे पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो फायदा होगा, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं बनाओगे तो भैया 5-10 मिनट देख के फायदा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, दिमाग में रखिएगा कंटिन्यूटी 2 घंटे कंटिन्यूटी, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जिसको हम द डेक्कन क्वीन कहते हैं, ये मुंबई से पुणे तक चली थी, और आपको पता है कौन से वर्ष में चली थी, 1920 में चली थी, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ये किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात हो रही है, वो बात नहीं हो रही कि जो पहली भारत की जो ट्रेन चली थी उसके बारे में नहीं पूछा जा रहा, ठीक है, दिमाग में रखना 1920 इसका आंसर। चलिए इसका आंसर क्या, 1920 है। देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट अफ्रीकन, अब सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का अभी एक हो गया थ्रम्बे, लेकिन अब आपसे पूछा है कि भैया अफ्रीका के पहले अफ्रीकन कौन थे, पहले अफ्रीकन कौन थे जो सेक्रेटरी जनरल बने थे, आंसर क्या है, जो घाली थे, ठीक है। इनके ऊपर बहुत विवाद भी हुआ था कि इनको क्यों बनाया गया भैया सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन, बहुत बड़ी पावर होती है यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल, तो इस पर विवाद भी उठा था। जवाहर रोजगार योजना जो है कौन से वर्ष में बनाएगी, कमेंट करेगा जवाहर रोजगार योजना कौन से वर्ष में बनाएगी, 1988 में बनाएगी। एट द हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब मैं ऊपर की तरफ हिल स्टेशन पे जाऊंगा किसी पहाड़ी इलाके में, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ठीक है, लेस देन द सी लेवल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए डैश स्कीम वॉज लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव फाइनेंशियल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन, ठीक है, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए, ठीक है, कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प थी वो कौन सी स्कीम के द्वारा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, मोदी जी आते ही उन्होंने सबसे पहले स्कीम यही स्टार्ट करी, ठीक है। हरिसेन किसके दरबार में पोइट थे, जल्दी से बताइए किसके दरबार में पोइट थे,
हरिसेन जो थे किसके दरबार में पॉइंट थे, कमेंट करना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, समुद्रगुप्त मौर्य। भाई शेयर करना सेशन को अपना स्टार्टिंग में, ठीक है, अपना स्टार्टिंग में एक बार शेयर कर देना, ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। चलिए अगर मैं बात करूं यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहां पे, यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहां पे, डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा भैया यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहां पे, आप सभी जानते हैं पेरिस में, ठीक है, उसके अलावा जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर है, ठीक है, आप आईएलओ देख लो, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखो, सभी ये इतनी जगह पे, ठीक है, दिमाग करके। अनफॉरगेटेबल लिटरेरी कैरेक्टर स्वामी, ये स्वामी कैरेक्टर बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर दे रखा है, और ये किसके द्वारा दिया गया, एक फेमस स्वामी कैरेक्टर किसके द्वारा दिया गया, आर के नारायण, ये भी फेमस है और ये कैरेक्टर भी फेमस है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, कॉनिस बर्गर इज डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, कॉनिस बर्गर ने कौन सी सिटी को डिजाइन किया था, बड़ी फेमस सिटी है राजस्थान की है, ठीक है, सॉरी राजस्थान की नहीं है, भुवनेश्वर, हाँ ठीक है, भुवनेश्वर, जयपुर सिटी का भी एक नाम आता है, ठीक है, लेट्स सी कि आगे पेपर आपको क्वेश्चंस में मिल जाए, ठीक है। चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, किसके साथ नहीं, डेफिनेटली बिहार बहुत दूर है चाइना से, ठीक है, चाइना ऊपर है कतई, ठीक है, डज नॉट शेयर द बॉर्डर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ठीक है, बी इज द बेस्ट, वी नो बी इज द बेस्ट, इस क्वेश्चन को स्किप मारेंगे। हाउ मेनी कैलोरीज आर देन बीटीयू, कितनी कैलोरीज होती है, 252 कैलोरीज होती है, ये क्वेश्चन नहीं करना है। नेशनल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट कहता हूं, कल भी आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट नोट किए होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत आसान क्वेश्चन होंगे उसको मैं स्किप मरा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं कंटिन्यू कराने वाला हूँ, ठीक है। नेशनल ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है बच्चों, पुणे में, लिख लेना इसको, नोट डाउन करना, रजिस्टर लेके बैठना, टाइम पास मत करना, 2 घंटे की क्लास होती है तो आप पढ़ रहे हो तो 2 घंटे पूरा पढ़ो, और 2 घंटे पूरा पढ़ रहे हो तो आपको बेनिफिट भी पूरा होगा, अश्योरिटी देता हूं, पुणे इसका आंसर है, नए नए क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। रूड और मिसलीड, ये जो स्टोरी है बिहार के ऊपर किसके द्वारा लिखी गई, संतोष सिंह के द्वारा लिखी गई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी से जय इस क्वेश्चन को, चाहे ये 2019 हो या 2020 हो या कोई सा भी ईयर हो, पासवर्ड इंडेक्स में जापान सबसे आगे होता है, दिमाग में रखिएगा, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, नेम द कंट्री विद मोस्ट पावरफुल, भाई दिमाग में रखना, आंसर सिर्फ जापान लिखना, ठीक है, आंसर सिर्फ जापान लिखना, पासपोर्ट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जापान की है और किसी कंट्री की नहीं, दिमाग में रखेगा, और किसी कंट्री की नहीं, जापान इज द मोस्ट पावरफुल, ठीक है। अगर मैं हेनरी पासपोर्ट इंजेक्ट की बात करूं, चाहे कितने भी साल हो जाए, ठीक है, इंडिया कुछ भी नहीं है जापान के आगे इस मामले में, ठीक है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, आंसर क्या है इसका, बड़ा आसान क्वेश्चन, देखो प्रेशर का एसआई यूनिट ना क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेगा, क्या होगा एसआई यूनिट, देखो इधर आंसर इसका गलत लिखा हुआ, सही कर लेना, आपको पता ही है। द नंबर ऑफ जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारे देश से भी भंडारी साहब है इसमें, ठीक है, मैंने एक 6 बजे सुबह 6 बजे जो मैं क्लास कराता हूं वो इंपॉर्टेंट होती है, दिमाग में रखिएगा, सुबह 6 बजे मैंने आपको बताया था कि अभिजीत भंडारी जो है हमारे देश के एक ऐसे जो जज हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हिस्सा है, 15 जज में से एक है, मैं इसलिए सुबह 6 बजे वाली क्लास कहता हूं करने को, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल तो और गजब टॉपिक है, कल तो और भी गजब टॉपिक है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, हाँ भाई, आंसर द इंस्टीट्यूशन फाउंडेड इन द प्लेस ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए कौन सा है, ह्यूमन राइट काउंसिल है, ठीक है, दिमाग में रहे, कमीशन की जगह काउंसिल हो गया, ठीक है, कमीशन की जगह क्या हो गया, काउंसिल हो गया। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है, प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द फोकस, यार अर्थक्वेक बहुत आ रहा है, इसके 100% आने के चांसेस है, क्वेश्चन नोट डाउन करना, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन करना, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अर्थक्वेक बहुत आ रहा है तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस है। अगर फोकस के ऊपर की प्लेस की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा, एपिसेंटर के साथ, ठीक है, द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, ठीक है, अर्थक्वेक का कंसेप्ट है, पूछा जाता है, ठीक है। प्रेशर कुकर में अगर खाना बनाते हो तो जल्दी बन जाता है, ठीक है, क्यों बन जाता है यार, देखो अपना क्लास का एक रूल है जो आपको पता है, आपको कल भी पता चल गया था, ठीक है बच्चे, रूल क्या है, जैसे अगर अभी 249 हो चुकी है ना तो आपका स्लाइड 200 प्लस चलना चाहिए यार, ठीक है, इसी में माहौल बनता है और बच्चा हम यार 2-2 घंटे पढ़ाएंगे, ठीक है, 200+ लाइक करना छूटते ही, ठीक है, इतना एवरेज रहना चाहिए, ठीक है, वॉचिंग और लाइक का। चलिए इसका आंसर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से क्या है, ज्यादा जल्दी खाना पकता है, ठीक है। अ रियल गैस कैन एक्ट एज आइडल गैस, इसका ना आंसर एकदम ना, देखो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रियल गैस एक्ट एज आइडल गैस,
अगर प्रेशर कम हो और हाई टेम्परेचर हो, इसमें ये रियल गैस आइडियल गैस की तरह काम करती है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आंसर बताएगा। वेयर वॉज द फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस, पहली अर्थ कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी? दुनिया जानती है रियो डी जनेरियो में सबसे पहली अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी, दुनिया जानती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये इसका आंसर है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर, 100% आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यार अभी इंडिया क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर बना है, 2 साल टर्म होता है। कितना कार्यकाल होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर का? 2 साल का होता है। इंडिया बना है तो क्वेश्चन 100% नोट इट डाउन, ठीक है, जितना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है, सिंपल सी बात है, जो ऑटोमिक ऑटोमेटिक व्हीकल्स में यूज होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बड़ा आसान क्वेश्चन और बिल्कुल नोट डाउन करना इस क्वेश्चन को। आंसर क्या है? पास्कल लॉ पे काम करता है। वेयर विल एशिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, एशिया डॉल्फिन जो है हमारे देश की एक्वेटिक क्या बोलते हैं एनिमल है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, और उसका जो सबसे पहले ये बनने वाला है, ये पटना में बनने वाला है। कहां पे? पटना में बनने वाला है, ठीक है भाई। शेयर करना सेशन को जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, शेयर करना सेशन को, नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि सीधा वो लो दे रखा है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा और आपको पता ही होगा बोलो, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, हमारा जो संयुक्त राष्ट्र है उसका संगठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर। कुछ भी नहीं तो भैया 24 अक्टूबर तो याद रहेगा, ठीक है, 24 अक्टूबर तो दुनिया को याद रहता है, ठीक है, 24 अक्टूबर इसका आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या है। व्हेन वाज लीग ऑफ नेशन, अब लीग ऑफ नेशन का क्वेश्चन आया तो तब भी आंसर क्या है? 10 जनवरी 1920। सुबह 6 बजे जो मैं कराता हूं उसमें आप आओ तो देखो, आपको पता चलेगा, ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कि भैया ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये मैं उसको सुबह 6 बजे कराने वाला हूँ, लीग ऑफ नेशन क्या है, ठीक है। अभी मैं कल का जो टॉपिक करा रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेलीग्राम चैनल जो अमन सर वाईफाई स्टडी है इसमें आपको मिलेगा उसका लिंक, ठीक है, दिमाग में रखेगा। चलिए नहीं करना इस क्वेश्चन में। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट इज स्ट्रिक्टली वैलिड एट कौन से डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे इतनी डेंसिटी होती है, हाईएस्ट डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अमन 11 रेफर कोड है ना अकेडमी पे, आप कभी भी मुझसे जुड़ते हैं तो यूज दिस रेफर कोड अमन 11, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लेटफॉर्म्स, इसमें से कौन से प्लेटफॉर्म है? दिमाग पर रहिए, प्लैंथेमनाथ्स जो है ये प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, ये 100 बारी क्वेश्चन हो चुका है, इसको रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि यार, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर। कॉफी गार्डन ऑफ ब्राजील, इसे हम क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील प्रोड्यूस करता है। ब्राजील जो प्रोड्यूस करता है ना, गार्डन से प्रोड्यूस करता है, जिसको हम फजेंडा कहते हैं, जिसे हम फजेंडा कहते हैं। वो इज नॉट अमंग द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज 2011, ठीक है, ये नहीं करते हैं क्योंकि यार 2016 का हमें कुछ फायदा नहीं। इफ क्रीम इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क कौन से, देन इट्स डेंसिटी। यार जब हम क्रीम को मिल्क से निकाल रहे हैं तो उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? यार डेफिनेटली इंक्रीज होगा, देन इट्स डेंसिटी इंक्रीज, डेफिनेटली क्रीम की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, भारी हो जाता है ना क्रीम, ठीक है, आपको पता है मिल्क से भारी होता है क्रीम, तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, कभी भी देख लो, बस ऑब्जर्व करने वाली बात है, बेसिक क्वेश्चन हो गया तो, ठीक है। बीम बैलेंस किस पे काम करता है? किस पे काम करता है बीम बैलेंस? मोमेंटम पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, मोमेंट पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे काम करता है। चलिए देखते हैं अगर क्वेश्चन इसी बात पे। नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पे? नोट डाउन करना, क्वेश्चन नया है, इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे पास मैं वो क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने के लिए कह रहा हूं जिसका करंट अफेयर से कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। मैं कराऊंगा आपको 6 बजे सुबह की, भैया नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है क्या, ठीक है, हर चीज सुबह 6 बजे होगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट में मैं आपको पूरा टॉपिक कवर कराता हूँ। आंसर क्या इसका? हैदराबाद है, इंपॉर्टेंट है, कराता हूँ सुबह 6 बजे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी, आसान है, ठीक है, थर्मल की, ठीक है, सिल्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कंबस्टन, कंबस्टन का या कंबस्टन होता है किस चीज का? दहनशील क्रिया, ठीक है, आग लगना किस चीज की? तो आंसर क्या भैया? इज नॉट, काम होना तो शांति होती है ना, तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इट्स 300 प्लस राइट नाउ, 300 प्लस, ठीक है, लाइक शुड बी 300 प्लस स्पीड में, क्योंकि 2 घंटे लगातार करेंगे हम अपने काम को, ठीक है, 300 प्लस करना लाइक को जल्दी से। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म? लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है? नजरे गड़ाए रखो स्क्रीन पे 2 घंटे, छोड़ना मत किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। पीडीएफ आज मिल जाएगी, कल वाली भी और आज वाली भी एक ही साथ मिल जाएगी, 1000 क्वेश्चन की, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है भैया? आजादी, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आजादी जो है लिबरलिज्म का मतलब। नोबेल पीस प्राइज इसमें से किसे मिला हुआ, जल्दी से बताइएगा, किसे? नादिया मुराद को भी और डेनिस मुकवे को, दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। देखो नोबेल पीस प्राइज ना बहुत कम लोगों को मिला हुआ है,
और अब ये जो नोबेल, ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं दिमाग में रखना, ज्यादातर सभी नोबेल पीस प्राइज को याद कर लेना किस किस को मिले हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पे काम करता है, किस पे, जूल स्लो पे काम करता है। द साइज ऑफ विच ओशन इज लाइक द इंग्लिश अल्फाबेट, एस की तरह साइज किसका है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अटलांटिक। बिजिएस्ट ओशियन भी अटलांटिक है, सबसे बिजिएस्ट ओशियन भी अटलांटिक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस मोर बर्न, स्टीम, भाप जो है सबसे ज्यादा बर्न करती है, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ दिमाग में आपके सेट हो गए, कुछ आपको नए दिखेंगे, कुछ आपको ऐसे लगे रिवाइज करने की जरूरत है, तो भैया सारे क्वेश्चन आपको करने। हाँ भाई, लाफिंग जैक ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे कहा जाता है, कुकाबुरा को कहा जाता है, जो क्रिकेट बैट्स होते हैं ना इसका ब्रांड होता है, जैक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लाफिंग जैक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कुकाबुरा को कहा जाता है। नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, द मेरिस्टम, मेरिस्टम विच अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी कहते हैं। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि टिश्यू चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी कहते हैं। मैच्योर स्टेम के बीच में जो मेरिस्टेम बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी कहते हैं, ठीक है, दिमाग में। नंबर ऑफ, ये नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटरकैलरी कहते हैं भैया उसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, वोकल कोड इन वुमेन आर डेड देन द वोकल कोड इन मैन। हाँ भाई, ये जो वोकल कोड होती है ये वुमेन्स में ना मैन के मुकाबले हमेशा क्या है, 5 mm शॉर्टर होती है, ठीक है, 5 mm शॉर्टर होती है मैन के मुकाबले, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, वॉटर बॉयल एट लो टेम्परेचर और माउंटेन बिकॉज, क्योंकि देखो अब माउंटेन की तरफ अगर मैं बात करूं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा, इसलिए लो टेम्परेचर पे करता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि सी लेवल से कम हो जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, पहले भी एक क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, ठीक है। जितने बच्चे, दीपक कुमार क्लास के एंड में कमेंट बॉक्स पे लिखेगा, आई विल रीड ऑल द कमेंट्स, ठीक है, जो भी डाउट है, अभी 500 क्वेश्चन पहले कवर कराएं, ठीक है, 2 घंटे अपने पास है, हम बढ़िया तरीके से कर लेंगे। हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन, कितनी ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है, ठीक है, दिमाग में रखिए कितनी, 6 ऑर्गन है। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, शेयर करना सेशन को, और सेशन को 300+ लाइक कर देना, स्टेज पे 300+ लाइक होना चाहिए भैया, ठीक है, कॉमन सी बात है, अपने 2 घंटे की मैराथन के रूल होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कंटेन द हाईएस्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन, जल्दी से भाप कौन सा बनेगा भैया, अल्कोहल बनता है जल्दी से भाप। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इसमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करती है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर चलिए आसान है, जो जनरल असेंबली है रिकमेंडेशन पे किसके, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन। क्वेश्चन मुश्किल कैसे होगा, क्योंकि ये अलग अलग दे रखा है और ये एक साथ दे रखा है, आंसर ये, ठीक है। द तोमारा राजपूत वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय चौहान, कौन सी, कहां पे, ठीक है, कहां के चौहान थे जिन्होंने तोमारा राजपूत को हराया था, अजमेर के चौहान थे जिन्होंने हराया था। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द मेंबर। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ, यार जब मैं लाइट की बात कर रहा हूं तो भैया सब छूट जाता है ना, फोटोबायोलॉजी वर्ड आ जाएगा, ठीक है, बायोलॉजी भी दे रखा और स्टडी भी दे रखा, तो भैया कॉमन सेंस की बात है, आंसर ये है, आंसर ये। चलिए देखते हैं, इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर, 1945 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। हाँ भाई, जो द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द एक्सेस ऑफ, भैया जो हम लोग हैं, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी शॉप, किसी भी बातिंग घाट, कहीं पे भी जा सकता है विदाउट एनी क्या बोलते हैं, कोई भी तरीका क्या बोलते हैं, भेदभाव नहीं होगा, और वो किस पे डिपेंड करता है कि राइट टू इक्वालिटी हमें मिला हुआ कि नहीं, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी पे डिपेंड करता है। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन, कहां पे, वॉशिंगटन में, इसके वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहां पे, वॉशिंगटन में। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। हाँ, एक क्वेश्चन स्किप मारेंगे, जो मेल सेक्स एक्सेसरीज होती है उसमें पहला क्या है, वैसा एफ्रीमेंटिया, ठीक है, एपिडाइमिस, ठीक है, वेस डेफरेंस, और उसके अलावा क्या होता है भैया, टेस्टिस होते हैं, ठीक है, बड़ा बेसिक है कि भैया मेल सेक्स एक्सेसरी में ये 3 चीजें होती है और चौथा क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, आसान है। द वेब यूज डैश टू रिक्वेस्ट एंड सर्वर वेब पेज एंड प्रोग्राम, हाँ भाई, वेब जो है इसमें से किस चीज को रिक्वेस्ट करता है, पेज और खोलने के लिए, किसको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, ठीक है, HTML को, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये किसका, ठीक है, बड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन है कंप्यूटर का। अ बॉडी एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज, क्या है, ब्लैक एंड रफ, ब्लैक एंड रफ है तो भैया अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे।
भाई जो देख रहा है दैट शुड डू कंटिन्यूअसली, ठीक है भैया, 2 घंटे कंटिन्यूअसली देखना है तभी आपका फायदा होगा। जब आपके 500 क्वेश्चन आपकी नजरों से निकल जाएंगे ना, तो आपको अल्टीमेटली लगेगा यार हमारे एग्जाम के नियर बाय है ये क्वेश्चन और हमें आएंगे ये क्वेश्चन। आपको इतने क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन फंसेंगे लेकिन लगातार देखोगे तो फंसेंगे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। कॉफी गार्डन, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, किसके द्वारा की गई थी, कुमार गुप्ता के द्वारा, ठीक है, नालंदा के जो कंस्ट्रक्शन है वो कुमार गुप्ता के द्वारा। नया क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर करना, नालंदा कुमार गुप्ता, ठीक है, नालंदा न्यू कंस्ट्रक्शन कुमार गुप्ता। इन विच सीजन इज द प्लांट ग्रो मैक्सिमम, ठीक है, कौन से सीजन में प्लांट सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रो करता है, तो भैया किसमें, रेनी सीजन में, ठीक है, रेनी सीजन में सबसे ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं करना, 25 का 2015 का। रावी नदी पे कौन सा है, आसान है, रंजीत सागर, नोट डाउन करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भैया रावी नदी पे कौन सा है। देखो यार जल्दी से नोट डाउन करना, रजिस्टर लेके बैठना, कोई भी ऐसे टाइम पास करने के लिए वीडियो ना देखे, जो मैं क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए कह रहा हूँ प्लीज नोट डाउन दैट क्वेश्चन, ठीक है। डेफिनेटली 2 घंटे में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको पेपर में डायरेक्टली मिलेंगे, ठीक है। हाँ भाई, अगर मैं बात करूं इस पूरे फॉर्मूले में और आपको बोला यू क्या है, यू तो भैया इनिशियल वेलोसिटी होती है, यू इनिशियल वेलोसिटी होती है, वी फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करती, हीट ऑफ द रिएक्शन, किसी भी जो रिएक्शन है उसमें हीट किस पे डिपेंड नहीं करती, डेफिनेटली दिमाग में रखिएगा। फाइनल प्रोडक्ट जिस पाथ से मिला उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां से पाथ है, कैसा पाथ है, तो बी इसका आंसर, ठीक है। कन्वेक्शन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें होता है, इस क्वेश्चन को स्किप मारेंगे। राइस इज, देखो दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, पहले फूड का वेजिटेबल का आया था, अब राइस का आया था। यार सिंपल सी बात है, प्रेशर कुकर में वॉटर बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, अब जब हाई टेम्परेचर होगा तो डेफिनेटली खाना जल्दी पकेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, खाना जल्दी पकेगा इसी केस में, ठीक है, दिमाग में रखिए। चलिए देखते हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन नोट डाउन करना जरूर, ठीक है, नोट डाउन करना जरूर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दोबारा वही बात है, देखो अब दोबारा अलग अलग ऑप्शन आए ना, अब ये हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स है, भैया आंसर क्या लगाना, जापान लगाना, चाहे कुछ भी आ रहा हो, ये क्वेश्चन 2019 का है, अब दिमाग में रखना, अपडेट हो चुका है, इट्स जापान अपडेट हो चुका है, 2019 है, अब जापान है, जापान आंसर लगाना, इसके अलावा कुछ और मत लगाना, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी 15 पूछा, उसके अलावा कहां पे, ह्यूग में, ठीक है, द ह्यूग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, दिमाग में रखेगा, जितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, हाँ भाई, वर्ल्ड कैंसर डे जब 4 फरवरी को बनाया जाता है, 2019 का क्या था, आई एम एंड आई विल, ये क्या मोटो था 2019 में, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस क्लास में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेशन ऑपरेटस, लेट्स लीव दिस क्वेश्चन, द टर्म पिक्चर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, जल्दी से बताइएगा, पिक्चर जो है किस गेम से संबंधित है, कमेंट करेगा, पिच जो है किस गेम से संबंधित है, किससे, बेसबॉल से संबंधित है, ठीक है, दिमाग में रखे, बेसबॉल से, इट इज द नेशनल गेम ऑफ यूएसए, ठीक है, इट इज द नेशनल गेम ऑफ यूएसए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, दिमाग में रखेगा। जो बच्चा देख रहा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, मेरी सभी पीडीएफ के लिए आपको यही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। चलिए, फॉर हाउ मेनी डेज द महात्मा गांधी वॉलंटियर फॉर द सोल्ट सत्याग्रह, ठीक है, सोल्ट सत्याग्रह कितने दिन के लिए होता है, भैया 24 दिन के लिए होता है, दुनिया जानती है 24 दिन के लिए, ठीक है, दिमाग में रहेगा, 24 दिन के लिए होता है, आसान है। यूरेनस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, विलियम हर्शल के द्वारा, यूरेनस जो है हमारा जो प्लेनेट है, यूरेनस किसके द्वारा विलियम हर्शल के द्वारा डिस्कवर किया गया। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, भाई लाइक को स्पीड में बढ़ेगा, 400+ होने चाहिए, जितने बच्चे देख रहे हैं 400+ होने चाहिए इस टाइम स्पीड में एकदम। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फोकस करो क्वेश्चन में, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर ट्रांसफर हीट इज नोन, अगर ये हीट इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, एडवेक्शन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं, दिमाग में रखेगा, अभिवहन कहते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च, नोट डाउन करना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आज सारे इंस्टीट्यूट कवर हो जाएंगे, ठीक है, जितने इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, भैया देहरादून में है, इंपॉर्टेंट है। विच फाइबर को हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, किसे हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, रायोन के कपड़े भी बनते हैं और आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, इसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ठीक है, दिमाग में रखेगा, रायोन इज आर्टिफिशियल सिल्क, सिंथेटिक होता है ये, सेलुलोज को यूज करके बनता है। चलिए देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन, पहले देखा हुआ है। चावल बनाना पकाना आसान कहां, मुश्किल कहां पे, हार्डर कहां पे, भैया पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ों पे आपको मैंने अभी कंसेप्ट बताया इसका, ठीक है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज बीन,
अभी पिछले कुछ दशक में, शताब्दी में जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज हुआ है, ये रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट ये कहती है 0.6 डिग्री सेल्सियस, 0.6 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज वेरी टिपिकल सिचुएशन। 0.6 से अगर ये 1 डिग्री पे आ गया ना तो भैया दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, दिमाग पर रखना। 1 क्या 2 डिग्री पे आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कहते हैं, रिपोर्ट कहती है। सबसे पहला 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को किस स्टेट ने दिया था, कमेंट करेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला 10% जो है रिजर्वेशन किसने दिया था, किसने दिया था सबसे पहला, किसने दिया था, गुजरात ने दिया था, दिमाग में रखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन द ग्रेप्स, ग्रेप में कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है, जो इमली होती है उसमें भी यही होता है। लोफोल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वालिटी वाज द एम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान, भैया सब कुछ जो मिलेगा वो सब कुछ लोफोली इक्वली मिलेगा सबको डिवाइड होके, और ये कौन से प्लान में था, कौन से प्लान में था, दिमाग में रखिएगा, इंदिरा गांधी के टाइम पे 9th 5th ईयर प्लान में था, ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में था, दिमाग में रखना। अपनी क्लास का बेनिफिट तभी है जब आपने 8 बजे भी स्टार्ट किया, या जब भी आप इस क्लास में जुड़े हो तब से लेके 10 बजे तक कंटिन्यूसली देखो, अगर आप 10 बजे तक कंटिन्यूअसली देखते हो तभी आपका बेनिफिट है, बिकॉज आप इतने क्वेश्चन अपनी आंखों से भी उतार दोगे ना तब भी आपका 100% बेनिफिट है। पूरे दिन का बेनिफिट सबसे ज्यादा तभी है जब आप अपनी इतनी क्वेश्चंस को अपनी आंखों से भी उतार दोगे, आंखों से उतारना मतलब देख भी डालोगे तब भी फायदा है, ठीक है, दिमाग में रखे। खाना खाते देखो, सोते देखो, लेटते देखो, कैसे भी देखो, बस देखो, क्योंकि आपको बेनिफिट इसी चीज का है। परमानेंट मेंबर कौन कौन से भैया, आसान है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट किस लिए, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, चाइना के साथ यूएसए का पंगा और हमारा भी हो रहा है इस टाइम, ठीक है। कोस्पी का कहां का वैल्यू है, ठीक है, जैसे इंडिया का है ना निफ्टी और ये सब चीजें, ऐसे कोस्पी कहां का है, कोरिया का है, शेयर वैल्यू इंडेक्स, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर मैं जोड़ूंगा तो भैया सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा, ठीक है, इसके आगे दो भी लगता है, ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन सी बात पे, ठीक है भाई। 400+ लाइक शेयर करना जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, जननी सुरक्षा योजना किस दिन लॉन्च की गई, भैया 2005 में लॉन्च करी गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करना, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन द ब्रिटेन, हु वाज द मुगल एम्परर दैट टाइम। अब ये क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे, जहांगीर लगा देते हैं, भैया जहांगीर आंसर नहीं है, अकबर आंसर, जहांगीर के टाइम पे तो परमिशन मिली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले बन गई थी, ठीक है, दिमाग पर क्या। अगर मैं रेल्स की बात करूं तो उसके बीच में ये क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें जल्दी से बताएगा। लेकिन अब ये देखो, कल जो क्वेश्चन कराया था ना सेम था, लेकिन ऑप्शन अलग थे, अब ये ऑप्शन अलग है, दो स्मॉल गैप होते हैं अगर रेल की पटरियों की अगर बात करूं तो, उसका एक्सपेंशन की वजह से होता है ना। अब कहीं पे लिखा हुआ है, अवॉइड द ट्रैक बी डिस्टोर्टेड ड्यू टू द सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होता है। कल मैंने इस क्वेश्चन को कराया था लीनियर एक्सपेंशन के नाम पे, आज एक और नया क्वेश्चन इसी टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट है भैया, खतरनाक साइंस का क्वेश्चन, रेलवे में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी और डिफेंस में तो आएगा ही आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो फिनटेक जो फेस्टिवल के टाइम पे बनाया था, इनोग्रेट किया था, कौन से देश में किया था, कहां पे, सिंगापुर में किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इनोग्रेट किया था वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फेस्टिवल फिनटेक के नाम से, जो कि सिंगापुर में हुआ था, मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। हाँ भाई, डोवर स्ट्रेट कनेक्ट इंग्लिश चैनल विद, इसके साथ नॉर्थ नॉर्दर्न एशिया, लिख लेना, डोवर स्ट्रेट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसका करंट अफेयर है, इसके ऊपर करंट अफेयर बना हुआ, और उस करंट अफेयर को हमें देखना है, जो कि मैं कितने बजे कराता हूं, सुबह 6 बजे मैं बताऊंगा आपको डोवर स्टेट क्या है। मैं आपको कितनी बार कहूंगा इस चीज, उतनी बार कहूंगा जितनी बार मैं आप देख लो चीजों को, क्योंकि यार 6 बजे की चीज मैंने कल गलवान वैली पे पढ़ाया, आज सुबह पढ़ाए थे गलवान वैली पे, जिसने देखा उसका 100% दो क्वेश्चन है, ठीक है। और कल जो मैं कराऊंगा MI20 पे, SU30 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के जो विवाद है उस वजह से हमारे जो फाइटर जेट है उसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कल का टॉपिक है MI20-30, सुबह 6 बजे, लिंक जरूर देखना, ठीक है। एज पर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 इंडिया की रैंक कितनी थी, देखो यार 103 है, बड़ी बुरी रैंक है, बहुत बेकार रैंक है, ठीक है, दिमाग में रखो। चीफ मिनिस्टर छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस फ्रॉम विच, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। कोहिनूर डायमंड जो है कौन से माइन से लिया गया था, किससे, गोलकोंडा माइन से कोहिनूर डायमंड। अकाल तख्त जो पंजाबियों में है, ये किनके द्वारा बिल्ड किया गया था, ठीक है, गुरु हरगोविंद जी के द्वारा, क्योंकि भगवान है भैया हमारे लिए, तो हर रिलीजन बराबर है, ठीक है। अकाल तख्त किसके द्वारा, गुरु हरगोविंद जी के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर, यार आप सुपर कंडक्टर ही है,
सुपर कंडक्टर ही है तो भैया कंडक्टिविटी क्या होगी, ठीक है आंसर क्या है, इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। वेर इज गोल गुंबस, लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड, गोल गुंबस कहां पे, गोल गुंबस पहली बात तो इस तरीके का बनता है, और ये कहां पे है, कहां पे, बीजापुर में है, ठीक है दिमाग में रखे बीजापुर में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब मैं इसकी बात करता हूँ ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो इसमें ना सब कुछ पैरेलल होता है, पैरेलल होता है तो आंसर क्या है, बी इसका आंसर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में सब कुछ क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है भाई। पीडीएफ मिल जाएगी, ये जो टेलीग्राम चैनल नीचे दिखाई दे रहा है ना, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसमें आपको ज्वाइन करना, पीडीएफ के लिए कल की और आज की दोनों मिल जाएंगी, पिछली भी डाल दूंगा, सारी डाल दूंगा, 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं, तवा प्रोजेक्ट कहां पे, मध्य प्रदेश, ठीक है दिमाग में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश में। हाँ भाई, इंडिया की सबसे फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस स्मार्ट कोच सबसे पहली बार कौन सी ट्रेन में लगे थे, किसमें, गरीब रथ में लगे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीब रथ में सबसे पहली बार स्मार्ट कोचेस लगे थे। चलिए देखते हैं अगर क्वेश्चन इसी बात पे, भाई 511 हो रहा है और तुम 410 पे चल रहे हो, सोचो इस चीज को, सर्व है तुम्हारे, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश सप्रेसर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, 1857 में कानपुर की तरफ से ब्रिटिश सप्रेसर, कानपुर में कौन से ऐसे थे जो ब्रिटिशर थे जिन्होंने पंगा लिया था भैया कानपुर वालों से, आंसर क्या है, कोलिन कैंपबेल इसका आंसर है आपसे, या तो ये पूछा जाएगा कि भैया हमारी स्टेट की तरफ से कौन कौन से थे, या तो ये पूछा जाएगा उन स्टेट में हमारी स्टेट वालों के अपोजिट कौन कौन से ब्रिटिशर्स थे, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए जितने बच्चे देख रहे हैं, इन रेफ्रिजरेटर कूलिंग सिस्टम शुड बी ऑलवेज एट द, कहां पे होता है, हमेशा फ्रिज में देख लो भैया, टॉप पे ही होता है कूलिंग सिस्टम, ठीक है बेसिक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, अब मैं किसी बल्ब वाले के पास जाऊंगा ना, कहूंगा भैया मेरे को बल्ब दे दो, तो वो कहेगा कैसा चाहिए, तो भैया मैं सिंपल से कहूंगा भैया इतना वोल्टेज होना चाहिए, इतना पावर होना चाहिए, पावर और वोल्टेज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है दिमाग पर रखिएगा। हाँ भाई ऑर्डर बताओ सोलर सिस्टम में साइज के अकॉर्डिंग, सिंपल सी बात है, किसको याद रखना आपको, देखो यार सिंपल सी बात है, जुपिटर सैटर्न अर्थ और मरकरी इसका ऑर्डर है, पहले तो पीछे का ऑर्डर देख सकते हो आप जश्न वाला, ठीक है अब यूएन नहीं है तो भैया अर्थ और मरकरी वाला रहेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन छोड़ेंगे, मैन हु डिवाइडेड इंडिया इज द ऑथर ऑफ द बुक, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, मैन हु डिवाइडेड इंडिया, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए मैन हु डिवाइडेड द इंडिया, ठीक है वी कांट बट कंट्राडिक्ट ऑन दिस थिंग, भैया वो किसने डिवाइड किया इंडिया को, बहुत सारे लोग थे, रफीक जकारिया इसका आंसर है, इनके द्वारा ये लिखी गई थी, ठीक है। जीरो केल्विन किसके इक्वल होता है, -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, वेयर देयर इज अ रिलीजन देयर इज विक्ट्री इज द मोटो ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ये जो मोटो है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है, किसका है, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है दिमाग में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का, चलिए देखिए जहां धर्म है वहां जय विजय है, ठीक है दिमाग में रखिएगा यार, इसको ना भी होल्ड पे रखना, इसको भी होल्ड पे रखना, इट देर इज अ डाउट कि भैया ये इसरो का भी हो सकता है, ठीक है इसरो का भी हो सकता है, स्किप मारना है इसको, ठीक है ठीक है, अभी स्किप मारना है इस क्वेश्चन को, अभी नहीं करेंगे, मैं आपको कल की क्लास में से करा दूंगा, ठीक है दिमाग में रखिए, कल की क्लास में करा दूंगा, अभी इस क्वेश्चन को ऐसे कैंसिल करते हैं, ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे कैंसिल करते हैं, इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा लैक है इसका। टेम्परेचर ऑफ द डिस्टेंस, अगर दूर से कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है दिमाग में रखिएगा, दूर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसके लिए पायरोमीटर यूज कर सकते हैं। कुतुब मीनार वाज फाउंडेड वाज फाइनली रीबिल्ड बाय किसके द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा, ठीक है आसान है। विच ईयर डिड द रणजी ट्रॉफी कॉन्टेस्ट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की फेमस है, ठीक है आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। किशोरी जी इतनी हिंदी बोल रहा हूं, एक भी वर्ड हिंदी इंग्लिश में नहीं है यार, ठीक है एक भी वर्ड नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रणजी ट्रॉफी कब स्टार्ट हुई, 1934 में, ठीक है। आइस को हम सोडस्ट में इसलिए डालते हैं बिकॉज सोडस्ट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिससे आइस पिघलती नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाँ भाई बाल फकरम नेशनल पार्क, ठीक है कहां पे जल्दी से बताइए कहां पे, मेघालय में। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल डिस्क, कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है, वाम डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो यार माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थ पूछा है, पीएम नरेंद्र मोदी जी जा सकते हैं आप, ठीक है माइक्रो और मैक्रो में अर्थ पूछा है, बड़ा बेसिक है, दोनों चीजों को स्टेटमेंट को सही बता रहा है, माइक्रो छोटे लेवल पे मैक्रो बड़े लेवल पे, आंसर क्या है, सी इसका आंसर है, ठीक है। एच
जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है उसमें एच का डायमेंशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम की तरह, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किसको रिप्लेस किया था, गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को रिप्लेस किया था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस बात पे, हाउ मेनी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज आसाम में, कितनी है, 126। कल राजस्थान का बताया था, ऐसे आसाम का भी याद होना चाहिए, ठीक है, दिमाग में रखिए, ऐसे आसाम का भी याद होना चाहिए। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर, यार अब जो वोल्टमीटर है तो भैया करंट को मेजर नहीं करेगा, करंट को मेजर नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। वोल्टमीटर है, करंट को मेजर नहीं करेगा, करंट को मेजर नहीं करेगा तो जो रेजिस्टेंस है वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि करंट तो जीरो है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड, राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों उगाया जाता है, ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों उगाया जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, भाई सेशन को शेयर और लाइक कर देना, ठीक है, जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब कौन से राज्य में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सेंसस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। हाँ भाई, पहले फॉरेनर जो पूरे इंडिया में सबसे पहली बार आए थे, सेशन में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ऐसे हैं, आप इन क्वेश्चंस को नोट जरूर करो, ठीक है, डोंट जस्ट की भैया वीडियो देख रहे हो और मजा आ गया और फील ले ली, क्वेश्चंस को नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या है, मेगस्थीन जो थे पहले फॉरेनर थे जो इंडिया आए थे, कैपिटल ऑफ बहमानी किंग्स, इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है, गुलबर्ग, ठीक है, बहमानी किंग्स की कैपिटल गुलबर्ग थे। ग्रीन रोमन आर्ट फेमस गंधार के लिए, ठीक है, कहां पे, गंधार में ग्रीन रोमन आर्ट सबसे पहली फेमस, ठीक है, देखते हैं अगर क्वेश्चन इसी बात पे। विच ऑफ दिस इज नॉट अ माउंटेन पीक इन द ग्रेट हिमालय हिमाद्री, भैया ग्रेट हिमालय और हिमाद्री में कौन सा नहीं है, नाग तिबा नहीं है, बाकी मकालो भी है, कंचनजंगा भी है, नंदा देवी है, जिसमें कंचनजंगी का सिक्किम है, सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है, ये जो माउंट एवरेस्ट है सिक्किम में पाया जाता है, इंपोर्टेंट है, और नाग तिबा इसमें नहीं पाया जाता। डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताइए कौन सी डिवाइस को यूज करते हैं, आंसर क्या है इसका, रेक्टिफायर्स को यूज करते हैं, ठीक है, किसको, रेक्टिफायर्स को यूज किया जाता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। देखो यार, रेक्टिफायर बनता है किससे, पीएन जंक्शन से बनता है, किससे, पी और एन टाइप जो जो है उनको कंबाइन करके हम पीएन जंक्शन बनाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज से हम मशीन कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंपाइलर चाहिए होगा इसके लिए, टू प्रोड्यूस द लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, अगर यार मेरे को लो टेम्परेचर चाहिए और मैं किस पे, किस तरीके से मैं लो टेम्परेचर अटेन कर सकता हूं, जय भोलेनाथ की फिक्र ना कीजिए, बात की आंसर क्या इसका बता चुका हूं आपको, ठीक है, डायमैग्नेटाइजेशन के थ्रू, डायमैग्नेटाइजेशन ना टेम्परेचर लो प्रोड्यूस करता है, इस वजह से दिमाग में रखेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, वेयर इज द सतीश धवन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कहां पे, श्री हरिकोटा में, लेकिन आएगा पक्का, ठीक है, दिमाग में रखेगा, आएगा पक्का, ये नहीं करना क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, देखो यार थर्मोडायनेमिक्स वर्ड जो है तो किसको कंजर्व करेगा, एनर्जी को, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स है तो एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है, एनर्जी के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट एवर रोबोट स्पेसक्राफ्ट टू प्रूव द प्लैनेट, हाँ भाई वीनस में, हमारा प्यारा वीनस, हमारी सिस्टर और उस, क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ है, ठीक है, हॉटेस्ट है और क्या बोलते हैं, लुक लाइक मून, मून के जैसा चांद सा मुखड़ा है इनका, ठीक है, सब कुछ ठीक है, और इसके ऊपर सबसे पहले जो प्रोब हुआ था वो कौन सा था, मैगलान, ठीक है, दिमाग में वीनस से रिलेटेड, व्हाट इज द, ये छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ भाई, आईआईटी एस्पिरेंट्स की जो कमेटी बनाई गई थी वो कौन सी थी, कौन सी कमेटी बनाई गई थी, कमेंट करेगा, अशोक मित्रा कमेटी, कौन सी, अशोक मिश्रा कमेटी जो है बनाई गई थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, सर आप पढ़ाओ और आप आंसर करो, देखो यार मैं पढ़ा भी रहा हूं, मैं आंसर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा मैं आंसर धीरे धीरे देखूंगा ना, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, यू ओनली हैव टू सी कि मतलब आपको क्वेश्चन नए नए दिखाई दे, आप नोट डाउन करो, 500 क्वेश्चन इनफ होते हैं पूरे दिन के लिए, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में लिंक, फराडे, मैक्सवेल मत लगा देना इसका, ठीक है, फराडे इसका आंसर है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यार केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया तो भैया बैटरी यूज करते हैं, जितने भी हमारे फोन की बैटरी यही तो करते हैं, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात, कितने बच्चे देख रहे हैं, चलिए इस क्वेश्चन का, विच इज द स्टैंडर्ड, आराम से, ठीक है, मिर्जापुर देखी होगी सीरीज, When did Parliament passes the National Commission for Women? कब? देखो, अब ये क्या है? पास का, और उस दिन मैंने establish का पूछा था, कल मैंने establish का पूछा था, क्वेश्चन में फर्क है, दिमाग में रखना, यहाँ पे 1990 आ रहा है, ठीक है, दिमाग में रखें 1990 आ रहा है। माइंड एंड द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इन, किसमें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें हैं वो किसमें रिफ्लेक्ट होती है, हमारे किसमें, प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होती है, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दे रखा है। सर पीडीएफ का दिमाग में रखना, कल की और आज की पीडीएफ, ये जो नीचे टेलीग्राम चैनल आ रहा है ना, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसमें मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है,
पीडीएफ कहां पे मिलेगी, इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, अमन सर भाई फैसडी ऑफिशियल, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, यार जब मैग्नेटिज्म की बात करो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, अब सर्कुलर मोशन रेस्ट पे तो नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म होता है, तो सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका आंसर है। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन से ऐसे सॉलिड है जो कि हाई टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं, लो टेम्परेचर पे नहीं करते हैं। अब ये ऐसे कारनामे कौन करते हैं, सेमीकंडक्टर्स करते हैं, जैसे जर्मेनियम। ठीक है, अकबर हेल्ड द रिलीजियस डिस्कशन कहां पे रखते थे, इबादत खाने में रखते थे, ये अपने जो रिलीजियस डिस्कशन है वो इबादत खाने में होते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे, जाओ प्रधानमंत्री आओ, बाकी सारे व्हाट इज द करंट यूज नहीं छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। लॉन्गेस्ट डैम इंडिया का कौन सा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड डैम है। ठीक है, दिमाग पर रखेगा, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना भैया, स्टार मैक्स पे, सोनी मैक्स पे आती है, किस पे आती है, स्टार मैक्स पे आती है, किस पे आती है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि भैया ये कुछ आए ना आए उस चैनल पे ये तो जरूर आएगा। ठीक है, मूवी का नाम याद हो तो बताना, हीरा, क्या है मूवी का नाम, अमिताभ बच्चन, ब्लैक बॉडी कैन अब्सॉर्ब द रेडिएशन भैया सभी वेवलेंथ की। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा सभी वेवलेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, अब भैया ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के थ्रू कौन सा इंस्टीट्यूशन नहीं बना था, ठीक है, ये नहीं बना था भैया, ये तो बिल्कुल परे है, ये दोनों चीजें बनी है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट बिटवीन किसके साथ, सिराजुद्दौला भैया कहां पे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला, सिंपल सी बात है, रॉबर्ट क्लीव और सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ठीक है, दिमाग में रखिए, पकड़ के बात को, सूर्यवंशम की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब हमारे बच्चे क्लास के अवेयर है, पूरी अवेयरनेस रखते हैं मूवी से रिलेटेड, तो और कुछ आता हो ना। ठीक है, टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर हम क्या यूज करेंगे, पायरोमीटर को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, अ साइकिल टायर, अगर बहुत ज्यादा हवा भरोगे साइकिल टायर ब्रस्ट हो जाएगा, और उसको हम क्या कह सकते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि अंदर ज्यादा प्रेशर बाहर कम प्रेशर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द G7, इसमें G7 का मेंबर कौन सा नहीं है, रशिया इज नॉट द मेंबर ऑफ G7, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, दिमाग में रखना, जो भी बच्चा देख रहा है, मैं आज आपको अपनी सारी क्लास का शेड्यूल बता दूंगा, ये क्लास मेरी मंडे टू फ्राइडे रात को 11 बजे होती है, थ्योरी क्लास है रात को 11 बजे होती है, सुबह 6 बजे से स्टार्ट करेंगे, रात के 11 बजे तक क्लास होगी, रात को 11 बजे साइंस की थ्योरी, और कल का इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, देखना है रात को 11 बजे। ठीक है, वाई फाई स्टडी पिन चैनल, द सब्सटेंस हैविंग द इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है तो भैया इंसुलेटर होगा ना। ठीक है, हाँ भाई छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, भैया जौनपुर में इंपॉर्टेंट है, दिमाग करेगा स्किप मारेंगे इस क्वेश्चन को, टेम्परेचर एंड विद द रीडिंग ऑफ बोथ फारेनहाइट और सेल्सियस की रीडिंग जो सेम होती है -40 डिग्री पे होती है। ठीक है, -40 टेम्परेचर पे जो रीडिंग होती है, ठीक है, आज जलील नहीं हो रहे हो भैया, कोई जलील नहीं हो रहा है, मैं सबको सिखा रहा हूं बस। चलिए, टेम्परेचर इन्वर्जन भैया, टेम्परेचर नीचे की तरफ गिरा, इन्वर्जन इज इक्वल टू नीचे टू गिरना, नेगेटिव लैप्लेसिस का आंसर है। ठीक है, फ्यूज वायर जो होता है हम उसको यूज करते हैं, देखो क्वेश्चन को छोड़ो, इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्यूज वायर है ना तो भैया क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट आंसर होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई कंसेप्ट ही नहीं है भैया फ्यूज वायर का, और कोई हो तो मुझे एनसीईआरटी में बता दो फ्यूज वायर का कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में आ सकता है, नहीं आ सकता तो इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत है, सीधा लो मेल्टिंग पॉइंट आंसर लगाओ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल उसका अपोजिट है रेजिस्टिविटी का, मोह मोह इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग में रखिए, मोह मोह इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू फाइंड द ऑब्जेक्ट्स इन द सी, भैया सी के नीचे सोनार लगता है भैया, सोनार को यूज करते हैं ना। ठीक है, कंसेप्ट मैं बता चुका हूं। ठीक है, ये क्लास पूरे 1000 क्वेश्चन की क्लास है, जो बच्चा इस क्लास में जुड़ रहा है कंटिन्यूटी बनाए रखो, 8 से लेके 10 बजे तक ये क्लास होनी है, 10 बजे फाइनल खत्म हो जाएगी, और 10 बजे तक जो रुकेगा वो बहुत कुछ पाएगा। ठीक है, जो भी बच्चा जुड़ा है अभी, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाई फाई स्टडी ज्वाइन कर लेना, और 8 से 10 क्लास चल रही है, 2 घंटे की 1000 क्वेश्चन टारगेट करने, और मैं करा दूंगा। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 4 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट होता है, इन विच स्टेट सोल्ट लेक स्टेडियम फाउंड, कहां पे, कोलकाता में, आसान क्वेश्चन है, स्किप मारेंगे। ठीक है, चलिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, और कोई नहीं देता है, दिमाग में रखिएगा, बच्चे सोचते हैं राजीव गांधी ट्रस्ट देता है तो इस पे टिक करते हैं, मुश्किल क्वेश्चन है, दिमाग में रखना मुश्किल क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, हाँ भाई 3 पितकास हैं, इसमें से कौन सा 3 पितका नहीं है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, सुत पितका, विनय पितका, अभिनंदन पितका, लेकिन ये उपशका पितका गलत सा लग रहा है, आंसर ये है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तीनों के तीनों पितकास है। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड सराउंडिंग डबल, जब टेम्परेचर डिफरेंस डबल हो जाता है ना,
तो इसकी हीट भी डबल हो जाती है, सिंपल सी बात है। जब टेम्परेचर डिफरेंस डबल हो जाएगा तो उसकी हीट भी बच्चे डबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये चल रहा है 600 पे और 572 कैसे है, जल्दी से स्पीड में बढ़ाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इन अ रेफ्रिजरेटर और कूलिंग सिस्टम शुड ऑलवेज बी एट द टॉप, ठीक है, ऊपर लगा होता है, कभी भी देख लेना। लार्जेस्ट कोरल रीफ कहां पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, ये हो गया क्वेश्चन, छोड़ेंगे इसको। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्लेयर मस्ट बी हैव द पास्कल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पास्कल लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी गेम में, कौन सी गेम में, जब स्कूबा ड्राइविंग करते हैं ना उसमें पास्कल लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो भैया फेफड़े फट जाएंगे, समझ रहे हो, स्कूबा ड्राइविंग में समझ रहे हो रिस्की कितना होता है, ठीक है। हाँ भाई यार, पूछा गया टाइम जोन कितने पार्ट में डिवाइडेड, टोटल नंबर ऑफ टाइम जोन, भैया जितने घंटे होते हैं टाइम जोन, क्योंकि टाइम जोन तो उसी से होगा ना, 24 घंटे 24 टाइम जोन। मिनिमम टेम्परेचर किसमें मेजर किया जाता है, मैक्सिमम पायरोमीटर और मिनिमम है अल्कोहल थर्मामीटर। दिमाग में रखिए इस क्वेश्चन का आंसर, बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब ब्लैक बॉडी कैन अब्सोर्ब, अब ब्लैक बॉडी कैन, ये हो गया क्वेश्चन, वेवलेंथ सभी अब्सोर्ब करता है। हाँ भाई ये हो गया क्वेश्चन, छोड़ेंगे। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब आपसे पूछा है कि कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज ऑन फॉलोइंग, लेंथ इंक्रीज करने से हाँ इंक्रीज होगा, क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करने से हाँ इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज द टेम्परेचर उससे भी होगा। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है, ऑल ऑफ दिस इसका क्या है आंसर है, दिमाग में रखिएगा ऑल ऑफ दी, ठीक है। प्रकार भाई मैं बहुत बढ़िया हूं, आप बुरे हो, क्यों, क्योंकि आप टाइम पे आए नहीं, ठीक है। मैंने 8 बजे बोला था, आए आप 45 मिनट्स में आए, समझ रहे हो। अब 10 बजे तक रुके रहना, 10 बजे तक क्लास लेना है, यहाँ पे 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद जयराम जी की हमें मिलना है फिर सुबह 6 बजे एक तगड़ी इंफॉर्मेशन के लिए, तगड़ी क्लास के लिए, मजेदार क्लास के लिए। आज की क्लास गजब थी, आपको भी पता है, ठीक है। कल की क्लास और गजब होगी, गारंटी देता हूं इस चीज की। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, ठीक है। देखते हैं, वाटर इज यूज इन हॉट बैग, ठीक है, हॉट वाटर बैग जिसमें सिकाई करते हैं, किस लिए, क्योंकि यार इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भैया सोल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, सबसे ज्यादा डिप्रेस कंट्री पूरी दुनिया में कौन सी थी 2018 में, 2018 में WHO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डिप्रेस कंट्री कौन सी थी, इंडिया थी भैया सबसे ज्यादा डिप्रेस कंट्री। दिमाग पर गया, टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको अगर मैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कहूंगा तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, दिमाग में रखे 0 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यार देखो किस पे डिपेंड करेगा कि भैया अगर इधर T1 है इधर T2 है, किस पे डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल टेम्परेचर बदला हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, देयर इंडिविजुअल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन क्या है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओम लॉ इज करेक्टली एप्लीकेबल, ओम लॉ किसके किसके लिए करेक्टली एप्लीकेबल है, जल्दी से बताएगा, इसके लिए कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन 280 प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं, फाइनेंस कमिश्नर, फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा 280 में अपॉइंट किया जाता है, 15 में फाइनेंस कमीशन आने वाले आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन, जो बच्चा रजिस्टर लेके बैठा है उसी का फायदा है, और जो बच्चा PDF इस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल से डाउनलोड कर लेगा उसका भी बहुत फायदा है, ठीक है। आंसर क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज इसका आंसर। चलिए देखते हैं, ल्यूमिन, देखो ल्यूमेन किसकी यूनिट है, देखो लाइट से रिलेटेड है, लाइट से, ल्यूमिनस सारा वर्ड आ रहा है लेकिन आंसर क्या है, ल्यूमिनस प्लस किसका आंसर है, ठीक है, ल्यूमिनस प्लस इसका आंसर। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन, जतका इज अ बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑन, जो जातक्स है ना, कोई बच्चा जातक्स कहता है कोई जतक्स कहता है, ठीक है, तो भैया हम तो जतकास कहते हैं क्योंकि भैया टोन यही आ रही है हमारी, ठीक है। ये बुद्धिस्ट के बर्थ की जो कहानी है वो बताता है, प्रीवियस ईयर के बर्थ की कहानी। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ DD किसान चैनल, कौन है, ठीक है, अमिताभ बच्चन है, ऐसी चीजों के अमिताभ बच्चन ही होते हैं ब्रांड एम्बेसडर। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, कमेंट करिएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्पीड में। चलिए आंसर क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा डिड गौतम डिराइव, पहला जो इन्होंने अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, कौन सी, किसमें दिया था, धर्म चक्र मुद्रा में दिया था। अमंग दीस विच एसिड इज द स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कौन सा है, H3SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
विद विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड, कैवल्य किससे संबंधित है? देखो जैन धर्म से, दिमाग में रखना जितने भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के थे ना उन सभी ने जैन धर्म को बहुत क्या है अपनाया था, ठीक है दिमाग में रखिए। चलिए नदी के नाम लिखे हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है, हमने शायद ये कर रखा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे ही तोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर डी का, डी का एक है, डी का एक कहां पे, यहाँ पे ए इसका आंसर है, इसको ऐसे ही तोड़ देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है लाहौर में रखी, ठीक है क्वेश्चन इधर ही फैल गया। अपने क्वेश्चन को फैलाना, देखो समझ रहे हो, क्वेश्चन आपके सामने धराशायी हो जाए उसका बस एक ही तरीका होता है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बच्चा क्वेश्चन था, ठीक है, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट रिलेट विद द पंजाब, पंजाब से कौन सी नहीं है, तापी नहीं है, ठीक है बाकी सारी के सारी है। चलिए सूरत कौन सी नदी के किनारे पर है, ठीक है चलिए सूरत कौन सी नदी के किनारे पे, तापी नदी के किनारे पे। चलिए देखते हैं अगर क्वेश्चन, डिफेंस फोर्सेस के लिए जो फंडामेंटल राइट है किसमें, देखो यार सारे ये कॉमन वाले हैं, डिफेंस फोर्सेस स्पेशल होती है हमारे लिए, तो आंसर 33 है, ठीक है। द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू लीव द इंडिया, भैया ये ऐसे हैं जो अभी भी बसे हुए हैं, लीव किया ही नहीं इन्होंने, आंसर क्या पोर्टुगीज, इसका आंसर है ठीक है, गोवा में, अभी भी जाओ गोवा, गोवा नहीं लगेगा मेरे को पोर्टुगल लगेगा, ठीक है ऐसा लगेगा कि भैया पोर्टुगीज में आ गए। चलिए एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट इज, कौन सा है, इंडियन डेजर्ट में लूनी है, ठीक है मजुली आइलैंड असम में, क्वेश्चन को ऐसे देख के पहल दो, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रेश, यार जब फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रेश वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी, देखो यार इधर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा जो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है, ठीक है जो हमने कॉमनली वर्ड को पढ़ा है, सेशन को शेयर करना यार एक तो जितने बच्चे देख रहे हैं, कॉमनली जो हमने वर्ड को पढ़ा है ऐसा कुछ भी दे रखा, लेकिन काटा थर्मामीटर भी होता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट द थ्री रत्न ऑफ द जैनिज्म, हाँ भाई कौन सा सही दृश्य, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट व्यू कुछ भी नहीं है, राइट व्यू कुछ भी नहीं होता, अपने व्यू के ऊपर होता है, मैं अपना व्यू कैसा भी कर लूं, मेरा व्यू कैसा भी हो सकता है, मे बी दूसरे बंदे के लिए वो व्यू बेकार है लेकिन मेरे लिए सही है, तीसरे बंदे के लिए वो सही है, ठीक है दिमाग में रखें। टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये हो गया अपना पायरोमीटर से दूर की ल्यूमिनस चीजों को हम क्या है देख सकते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं, तो मेजर अ वायरी हाई टेम्परेचर हो गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वॉज फर्स्ट टू बी स्टार्टेड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में 19th सेंचुरी में सबसे पहला रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, ठीक है दिमाग में रखेगा, और ये जो रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था ना कौन सा था, ब्रह्मो समाज था, ठीक है राजा रमोहन रॉय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। द साइट ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध इज मार्क्ड विद, यार किसके नाम से, रुमुंडी पिलर के नाम से, ठीक है इसको इंडिकेट किया जाता है जो जहां पे बर्थ हुआ था, ठीक है दिमाग में रखेगा, अशोका के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुशान रूलर पैट्रोनाइज द बुद्धिज्म, यार कुशान रूलर एक ही है जो कि बुद्धिज्म इन्होंने 4th काउंसिल कराई थी बौद्ध धर्म की, आंसर क्या है कनिष्क, इसका आंसर है कनिष्क, इसका आंसर है दिमाग में रखिएगा बौद्ध धर्म की, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाँ भाई जीरो ये कुछ नहीं है, ठीक है आंसर क्या है, 0 केल्विन का है, ठीक है दिमाग में रखिएगा, 1 नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर हैव देयर सोर्स इन द ओरिजिन, तिब्बत में कहां से, मानसरोवर लेक से, हाँ भाई ब्रह्मपुत्र है, इंदस और सतलुज, तीनों के तीनों। चलिए द स्टेट ऑफ द नेशन ये जो है किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है सेशन को शेयर करना, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को शेयर कर देना जल्दी से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या, स्टेट ऑफ द नेशन किसके द्वारा, पलियस नारायण, ठीक है दिमाग में रखें। द लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल इंडिया की इंदिरा गांधी कनाल है। चलिए देखते हैं हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, ठीक है दिमाग में रखें। सिर मावो पंद्रान किया, श्रीलंका की दी, श्रीलंका की सबसे पहली और पूरी दुनिया में भी सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8-fold path ऑफ बुद्धिज्म, इसमें से कौन सा 8-fold path बुद्धिज्म का जो है इसमें नहीं था, कंटिन्यूटी बनाए रखना जो भी बच्चा देख रहा है टेलीग्राम चैनल, जब सेशन को जब भी आप लीव करो, ठीक है एट एनी रीजन आपको लीव करना है सेशन को, तो टेलीग्राम चैनल सर्च करना अमन सर वाईफाई स्टडी, ये जो नीचे आ रहा है ऑफिशियल लिखा होगा, ठीक है इसमें जुड़ जाना, पीडीएफ आ जाएगी इसमें इस क्लास के बाद, ठीक है। और सुबह 6 बजे का जो सेशन है ये इसको दिल पे लगाओ भैया, ये सेशन इसका आपका ना मतलब सारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसी से बन जाएगा। मैं सुबह जो 2 महीने बाद पेपर देने वाले हैं सुबह 6 बजे वाला सेशन देख लो, करंट अफेयर कवर है डायरेक्टली, वो फोकस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। 8-fold path में ना क्या बोलते हैं डिजायर वाला कंसेप्ट नहीं आता, ठीक है डिजायर वाला कंसेप्ट नहीं आता। हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, इधर 12 लिखा हो तो भैया 12 फाइनल है, ठीक है मैक्सिमम। हाँ भाई छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। विच रूलर फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर द बुद्धिस्ट, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा, कौन से रूलर के द्वारा फाउंड की गई थी, जल्दी से बताइएगा सर, 10 सेकंड दिया करो कम से कम।
अगर पेपर में आपको 10 सेकंड मिल गए ना तो आप बह जाओगे, बह बिल्कुल इतने बह जाओगे पेपर में ना, जो बच्चा 10 सेकंड ले रहा है जीके के क्वेश्चन में, भैया जीके के क्वेश्चन में 10 सेकंड क्या करोगे 10 सेकंड लेके? ऐसा क्या जीके क्वेश्चन में? मैथ करो 10 सेकंड में, ठीक है, सीखो जहां से सीखते हो, ठीक है। धर्मपाला इसका आंसर है, धर्मपाला इसका आंसर है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाला के द्वारा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, ये दोनों एक साथ आए थे कौन से में? लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, जिसमें एक साथ आए थे, दिमाग में रखेगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। विदर द फॉलोइंग आर द फोटोग्राफ फार साइड ऑफ द मून, ठीक है, मून का जो फार साइड है किनारा है उसकी तस्वीर किसने ली थी? लूना, लूना का मतलब होता है मून, ठीक है, थर्ड ने, ठीक है। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पैट्रनाइज बाय अशोका, किसने? थर्ड अशोका ने, ठीक है, दिमाग में रखो ट्रिक। एके एके, ठीक है, एके एके, ठीक है, अजात शत्रु, ठीक है, काल शोका, अशोका, कनिष्क, ठीक है, एके एके याद रखना, आरवी पी के एके एके, ठीक है, क्या याद रखना? आरवी पी के एके एके, ठीक है, राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, अजात शत्रु, कालशोका और क्या बोलते हैं ये, क्या है, अशोका और कनिष्क, ठीक है, एके एके आरवी पी के, लिख देना कमेंट बॉक्स पे, रट्टा हो जाना चाहिए इसका। मैं क्यों कहता हूँ चीजों का रट्टा क्यों मारना होता है, ठीक है, हमें समझ आ गया, बहुत बेसिक है, ये नहीं समझ आएगा तो यार तुम तो बच्चे हो बिल्कुल छठी क्लास के, ठीक है, समझो इस चीज को, आउटपुट मैटर्स, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं आउटपुट मैटर्स, वो चीजें याद करके होते हैं, दिमाग में डालो चीजों को, ठीक है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो, कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, टिप्स पे होने चाहिए। विच एसिड इज यूज इन मेकिंग द एस्पिरिन, किसे? सैलिसिलिक एसिड को यूज किया जाता है, क्या बनाने के लिए? एस्पिरिन बनाने के लिए। दीवाने खास इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट, दीवाने खास कहां पे बना हुआ है? लाल किला जो है ना, फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है लाल किला, ठीक है, उसमें बना हुआ। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये अपना कंप्लीट कोर्स है एसएससी का, जो बच्चा एसएससी में डर रहा है कि 2 महीने बाद क्या होगा, मैं 100% गारंटी देता हूं, अमन 11 रेफर कोड अनअकैडमी पे यूज करो, और मेरा ये जो 7 PM का कोर्स है, 7 बजे डेली कराता हूं मैं, क्लास होती है मेरी अनअकैडमी पे, आप जुड़ जाओ, जो बच्चा डर रहा है उसका सिलेक्शन पहले कराऊंगा, ठीक है, मुझसे एक बार जुड़ के देखो, अमन 11 रेफर कोड से, आई एम डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट ऑन अनअकैडमी, आप बस एक बार जुड़ के देखिए, अमन 11 रेफर कोड आप अनअकैडमी में एसएससी के लिए यूज कर सकते हो। डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था कौन से एक्ट में? डायरकी कौन से एक्ट में? 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सियाचिन ग्लेशियर का पानी कहां पे जाता है? नुब्रा नदी में जाता है, ठीक है, छोड़ो बाकी सब चीजें, मैं आपको कल बता चुका हूं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, नुब्रा नदी के बारे में, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, भैया क्लास ओवर नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्लास चलती रहेगी जब तक 500 क्वेश्चन नहीं होते, अभी 236 पे है, मैं टारगेट अचीव कर रहा सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूं, 500 क्वेश्चन है तो 500 क्वेश्चन होंगे। वाज द सेकंड मैन टू मूव द मून, मून में कौन से दूसरे नंबर पे गए थे? ठीक है, बुज अल्द्रिन, बुज अल्द्रिन दूसरे व्यक्ति थे जो कि मून तक गए थे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन को स्किप मारेंगे। जैन लिटरेचर को हम क्या कहते हैं? अंगास कहते हैं जैन लिटरेचर को। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पर्पस ऑफ बिल्डिंग द फराग बैरेज, ठीक है, बांग्लादेश की तरफ जो फराग बैरेज बना हुआ ना, इसका काम ना क्या है? नेविगेशन का काम नहीं है, ठीक है, नेविगेशन का कोई काम नहीं, फर जो बैरेज होता है ना, बैरेज ना एक तरीके से रुकावट होती है, ठीक है, दिमाग में रखिए, रुकावट होती है, ठीक है, और भैया इसका नेविगेशन का कोई काम नहीं है। अमंग दीज विच वन ऑफ द माइल्ड एसिड, कौन सा आसान है? बोरिक एसिड इज अ माइल्ड एसिड, ठीक है, जिसकी एसिडिक टेंडेंसी कम होती है थोड़ी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड? मलाइक एसिड होता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। बुद्धिज्म इन नेपाल वाज इंट्रोड्यूस बाय, कौन से व्यक्ति के द्वारा? अशोका के द्वारा। भैया ये अशोका मेरे हिसाब से तो नेपाल के ही थे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। महात्मा गांधी जी जब एसेसिनेट हुए थे, किन्ने ना नथुराम गोडसे जी ने इन्हें क्या है बोला था, मारा था, और उसके बाद एक व्यक्ति है एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि भैया कोई बिलीव नहीं करेगा इतने महान आदमी हमारी धरती पर आए भी थे, ठीक है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, कोई तो इज्जत दे रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला इट्स वर्थ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतनी बड़ी चीजें महात्मा गांधी जी के लिए बोली। इन विच ईयर लाला लाजपत राय वाज डिपोर्टेड टू मांडलेज, देखिए लाला लाजपत राय जब मांडले इस जेल की सैर कईयों ने करी है, ठीक है, उसके बाद एग्रीकेरियन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करी थी, कब स्टार्ट करी थी? 1907 में स्टार्ट करी थी। इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटकास कंपोज, कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज। अगर बुद्धिस्ट की बोली जाए तो भैया पाली आंसर होगा, ठीक है, लैंग्वेज अगर बोला जाए तो पाली आंसर होगा। देखते हैं अगर क्वेश्चन, नेम द सोर्स फ्रॉम विच द एस्पिरिन इज प्रोड्यूस, ठीक है, छाल में से उत्पन्न होता है, छाल में से निकाला जाता है। हाँ भाई,
दिमाग करे यार, जब मैं हीट प्रोड्यूस करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में ना कन्वर्ट होगा, ठीक है। मैं अगर किसी चीज को उबालूंगा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, आसान सी बात है, ठीक है। उसी को क्वेश्चन को दे रखा है, कुछ नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर किससे अभी हो गया, अल्कोहल थर्मामीटर, एब्सोल्यूट जीरो ऐसा टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें मोलिकुलर मोशन क्या है, सीज हो जाता है। मोलिकुलर मोशन जो है सीज हो जाता है। देखते हैं और क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर। टू प्रोड्यूस द लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज, हो गया है क्वेश्चन, छोड़ेंगे। इंडिया टुडे एक मैगजीन है, हु वाज द एडिटर ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करना। जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसके जो जो एडिटर है वो कौन थे, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या। चलिए आंसर क्या इसका, कौन थे, आर श्याम शास्त्री जो इसके क्या है एडिटर थे। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज द कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध के जो कंटेम्पररी थे बिंबिसार थे। बिंबिसार ने क्या है बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसके बाद आने वाले सभी जो क्या बोलते हैं उन सभी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। अशोका ने भी अपनाया। हु रोट द फेमस नोबल प्राइड एंड प्रेजिड्यू, किसके द्वारा, जो जेन ऑस्टिन फेमस है, जेन ऑस्टिन फेमस है, तो भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। द बुद्धिस्ट मॉन्क हू स्प्रेड बुद्धिज्म तिब्बत में किसने फैलाया, किसने, पद्म सांब ने जो है तिब्बत में इसको फैलाया, ऐसे नेपाल का क्वेश्चन आया तो अशोका ने, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बड़ा बेसिक है कि भैया 273.16 केल्विन है, ट्रिपल पॉइंट है, क्योंकि इससे हम रिलेट करके 0 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट 32 फारेनहाइट को निकालते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। भाई सेशन को शेयर करना, लाइक करना दबा के, ठीक है। और जो मेरा ये जो टेलीग्राम चैनल आ रहा है नीचे अमन सर वाइफ स्टडी, इसे बढ़िया तरीके से क्या है इसमें ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ अपनी कल वाली आज वाली दोनों डाल दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन स्टेटमेंट नोन, आयरन चांसलर किसे कहा जाता था, ऑटमन बिस्मार्क को कहा जाता है, ठीक है, आयरन चांसलर कहा जाता है। अब कलेक्ट जैन की जितनी भी किताबें उनको अगर मैं जोड़ के लगाऊं तो भैया अंगास कहते हैं इसे, ठीक है। इंडिया की तरफ से कांग्रेस ऑफ ओप्रेस जो नेशनलिस्ट जो है रूसल में जो हुआ था, किसने अटेंड किया था, आईएनसी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू को जाते थे, ज्यादातर ब्रिटिश बाहर कभी भी जाना हुआ था जवाहरलाल नेहरू जाते थे, दिमाग में रखिएगा। चलिए, फॉलोइंग इज अ बैटरी एसिड, बैटरी एसिड में H2SO4, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्लिश राइटर, कौन से इंग्लिश राइटर है भैया, मुल्क राज आनंद शायद इसका आंसर है, ठीक है, शायद नहीं है, जब मैंने बोल दिया वो शायद का यस हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा इज वन ऑफ द, देखो भाई इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, पेपर में कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आता है ना, आपको लग रहा है ना कि मेरे को पता है इसका आंसर ये है, दूसरा बंदा अगर इंसान गलती से भी कह दे कि नहीं है भैया ये, इशारों इशारों में भी कह दे नहीं ये, तो कहना भैया अपना काम कर, मेरे को जो लगता है मैं वो लगाऊंगा, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है ना वही आंसर होता है, ठीक है, दिमाग में रखना वही आंसर होता है। बेकिंग सोडा इज वन ऑफ द कंस्टेंट ऑफ द बेकिंग पाउडर, द अदर कंस्टेंट इज टार्टरिक एसिड, ठीक है। बेकिंग सोडा में बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा होता है और टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। विच रिवर इज द सदर्न पेनिनसुलर हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन, गोदावरी का है सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। हाँ भाई, स्वेटिंग को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, बोरिक एसिड को यूज करते हैं। केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है इसे, ठीक है, दिमाग में रखना, ठीक है। विच गवर्नर जनरल एंटरप्राइज, रंजीत सिंह की इज्जत किसने करी थी भैया, ऑनर किया था रोपट, ठीक है। विलियम मेंडिंग, ही वाज अ गुड पर्सन, 1829 सती प्रथा को भी इन्होंने ही रोकवाया था, ठीक है। चलिए देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, माउंटबेटन प्लान के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, आचार्य जेबी कृपलानी थे, ठीक है। हु वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ TIFR, बड़ी फेमस है, ठीक है, TIFR, ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है बहुत फेमस है, और ये HG भावा तो भैया है ही भैया ग्रेट, ठीक है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज किसे कहा जाता है, स्वान तसंग को कहा जाता है, ठीक है। ये है अपना कोर्स, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया मुझसे 7 बजे जुड़ो, मैं आपको, जो बच्चा परेशान है ना कि अगले 2 महीने में क्या होने वाला, उसको गारंटी देता हूँ, टेंशन मत लेना, सिलेक्शन होगा। आप अन अकेडमी मुझसे अमन 11 पे जुड़ो, ठीक है, अमन 11 रेफर कोड यूज करके जुड़िए, 7 PM पे क्लास हो रही है, 2 महीने टारगेट करेंगे, पूरा SSC का कोई भी स्टैनो DP दिल्ली पुलिस SSC JEE CHSL CGL सब टारगेट कर लेंगे, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं ऑल सब्जेक्ट क्लास थ्योरी बेस्ड, ठीक है, रेफर कोड अमन 11, बाकी डिटेल के आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो मुझे, उधर कांटेक्ट देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे मेरा, ठीक है। ड्यूरिंग हूज रीजन द गंधार, ठीक है, किसके टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे गंधार आर्ट जो है
फला फूला था। बी स्टिंग कंटेन द, क्या होता है उसमें? एसिडिक लिक्विड होता है, फॉर्मिक एसिड। द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द आउटर स्पेस, आउटर स्पेस में सबसे पहले कौन से इंसान जो है चले थे? भाई साहब मजा आ गया होगा, एलेक्सी लिनोव। ठीक है, एलेक्सी लिनोव इंपोर्टेंट है। बुद्धा धामा संघा टुगेदर आर नोन एज द त्री रत्न कहते हैं इसे। ठीक है, दिमाग में रखिए, दीज आर द त्री रत्न ऑफ बौद्ध धर्म। ठीक है, बुद्धा धामा संघा। चलिए देखते हैं, हु सेड दैट द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। सही बात है, कहते हैं तो ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था, वैसे साइंटिफिकली गलत है लेकिन चलो महात्मा गांधी जी ने कहा था तो सही है। देखते हैं, अ फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस। यार देखो ये है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं इथेनॉल है, इथेनॉल को किसके साथ? एसिडिक एसिड के साथ डालूंगा तो ईस्टर फॉर्म होगा और उसकी फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, दिस इज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। हाईकोर्ट वर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता मुंबई मद्रास में कब? 1862 में। डैश इज यूज फॉर मेकिंग विनेगर, एसिडिक एसिड को यूज करते हैं। महावीर फर्स्ट डिसिपल कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट है, जामली इसका आंसर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा मुझसे, आप इस चीज को दिमाग में रखना, मैं जो सुबह 6 बजे अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास देता हूं, आप दिमाग में रखो, मैं आप सभी को अभी बता देता हूं, मेरा अकाउंट है अनअकैडमी पे अमनदीप शर्मा के नाम से। किसके नाम से? अमनदीप शर्मा के नाम से सर्च करिएगा, अमनदीप शर्मा के नाम से सर्च करिएगा। डिफेंस में 25 हैशटैग होगा अपना। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, 25 नंबर पे एजुकेटर। ठीक है, अमनदीप शर्मा सर्च करना। सुबह 9 बजे मैं क्लास लेके आता हूँ अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास, सुबह 9 बजे होती है ये क्लास। कल से जुड़ जाना, आदत बना लो कि मुझसे सुबह 9 बजे जुड़ना है अनअकैडमी पे। अमनदीप शर्मा, मैं अपना जो अपना प्रोफाइल है वो आज ही अनअकैडमी का शेयर कर दूंगा, आप उसमें जुड़ जाना। मस्त क्लास होती है सुबह 9 बजे। ठीक है, दिमाग पे रखेगा, 6 बजे और 9 बजे क्लास होती है। 6 बजे वाली आपको पता है, टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया ये क्वेश्चन। हु इज नोन एज द डेजर्ट फोक, किसे कहा जाता है भैया? जनरल रोमल को कहा जाता था। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम कंपनी से क्राउन रूल जो आया था उसके टाइम पे कहां पे? अलाहाबाद में हुआ था। ये जो अनाउंसमेंट हुई थी ये अलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन इसी बात पे। चलिए, वैशाखा पूर्णिमा वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस बिकॉज इस दिन भैया गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ, एनलाइटमेंट भी हुआ, मृत्यु भी हुई, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, वैशाखा पूर्णिमा। हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, किसके द्वारा लिखी गई? जल्दी से कमेंट करिएगा, किसके द्वारा ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई? आसान है क्वेश्चन, निराज चौहान चौधरी के द्वारा। आर्य समाज किसके द्वारा? राजा आर्य समाज। ठीक है, इट्स नॉट राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इट्स स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इट्स अमित्य सभाबाय राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, चलिए, चाइनीज ट्रेवलर, जो भी हमारे देश में चाइनीज ट्रेवलर आते थे उनका आने का मेन मकसद क्या था? उनके आने का मेन मकसद था कि वो क्या कर सके? बुद्धिज्म में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, गैस थर्मोमीटर सेंसिटिव होता है लिक्विड थर्मोमीटर से, क्योंकि उसका लार्ज होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है उसका लार्ज होता है इसी वजह से। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इसी वजह से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई जो क्लास में आ रहा है कंटिन्यूटी बनाए रखो, अभी हमारे ना 1 घंटा बचा है, 10 बजे तक मैं सेशन ओवर करा दूंगा और मेरे 500 क्वेश्चन ओवर हो जाएंगे, जिससे आपको एक नजर देख लो 500 क्वेश्चन को, आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल में से डाउनलोड कर लेना, जो भी बच्चा देख रहा है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा। इंदिरा गांधी कैनाल गेट वाटर फ्रॉम सतलुज। ठीक है, सतलुज यहाँ पे भैया सिंपल सी बात है, सतलुज है तो 20वीं लगा दो। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम ने ना दो क्या बोलते हैं जर्नल्स किए थे, अल हिला, और ये बंद करा दिया गया, फिर उन्होंने स्टार्ट किया अल बलग। अब अल बलग कब स्टार्ट हुआ था? 1913 में। 1912 में वो बंद हुआ था, 1913 में इन्होंने अल बलग स्टार्ट किया। तो दिमाग में रखेगा अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा अल बलग और अल हिला। ठीक है, दिमाग में रखेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। विच एसिड इज यूज टू रिमूव द आयरन डस्ट स्टेन, कपड़ों में से क्या यूज करते हैं भैया? ऑक्सैलिक एसिड यूज करते हैं। टमाटर मत रखने लग जाना कि टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, दे टमाटर से साफ कर रहे हैं बढ़िया तरीके से है, मिगी पता नहीं ना क्या। द एसिड यूज टू डिजोल्व द गोल्ड क्या होता है? एक्वारिजे को यूज करते हैं। ठीक है, इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, गांधी जी को कहां पे? मेरे ख्याल से वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यार बीटन का मतलब पीटना ही होता है, तो मैं बोलूंगा गांधी जी को कहां पे पीटा गया था। ठीक है, डरबन में पीटा गया था। ठीक है, वेयर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, आरवीपी के राजगिरा। ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। वर्धमान यानी कि इसको दिमाग में रखो, 1, 2, 3, 4। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, वर्धमान महावीरा को क्या बोला जाता है? देखो अब इधर कुछ बच्चे कहेंगे सर जैन ही है, क्योंकि भैया जैन धर्म से रिलेटेड, लेकिन इट्स आंसर जीना है। ठीक है, इन्हें जीना कहा जाता था। क्या कहा जाता है? जीना। ठीक है, दिमाग में रखे, क्या कहा जाता है? जीना।
भाई सेशन को लाइक कर देना एकदम धमाके से, 1000+ कर देना सेशन को, ठीक है, बढ़िया तरीके से। कितने बच्चे दिख रहे, जीना कहा जाता है, जैन नहीं होगा इसका आंसर, क्या गलती से जैन लगाओ। आंकड़ा नंगल ड्रैम हो गया, अब आंसर सतुल हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। हाँ भाई महायाना है, हिनयाना है, ठीक है, दिगंबर नहीं है भैया, दिगंबर आंसर है, सीज का आंसर है। चलिए देखते हैं जैन धर्म का, वो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। हाँ भाई अभी खट्टा हो गया दूध किसकी वजह से होगा, लैक्टिक एसिड की वजह से। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, व्हाट इज मिलन पनाहो, मिलन पनाहो क्या है, जल्दी से बताएगा क्या है। ये बुद्धिस्ट टैक्स है, ये क्या है, एक बुद्धिस्ट टैक्स है, दिमाग में रखना है, मिलन पनाहो इज अ बुद्धिस्ट है। सुरेंद्र कुमार माई डियर, मैं तो स्लो हो जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं जाता भैया, मैं तो खाली हूँ, पूरी रात खाली हूँ, मैं तो 2 बजे सोता हूँ, ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो आगे कंटिन्यू कराऊंगा धीरे धीरे। बच्चे पेपर में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना मैं दे रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में रखना अगर आपको कॉम्पिटिशन में जीतना है तो, ठीक है। द एरिया मार्क बाय द इंटरनल ड्रेनेज डेजर्ट एरिया में होता है, लूनी रिवर उसका एग्जाम्पल है। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन स्टमक कितनी है, 700 मसल्स है, कितने मांसपेशियां हैं, 700 है, दिमाग में रखे कितना, 700 है। Who had been given the nickname यंग तर्क, किसे कहा जाता है, चंद्रशेखर जी को कहा जाता है यंग तर्क, ठीक है, दिमाग में रखेगा। गैलेना किसका और अयस्क है, दिमाग में रखेगा, सीसा जो होता है ना, लेड होता है उसका होता है, गैलेना इज द अयस्क ऑफ सीसा, ठीक है, दिमाग में रखेगा। एक और क्वेश्चन, द फोर्थ फाइव ईयर प्लान जो चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका जो ग्रोथ टारगेट था वो किसके रिस्पेक्ट में था, किसके नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उस पे था। इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज फोर्थ फाइव ईयर प्लान, कोई नहीं पूछेगा इसका। हाउ मेनी टाइम हैज प्रीएम्बल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है, एक बार अमेंड हुआ है, दिमाग में रखे, एक बार अमेंड हुआ है, 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था प्रीएम्बल में, ठीक है, दिमाग में रखे, 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था प्रीएम्बल में, एक बार हुआ है। डिफेंस के बच्चे मैं आपको शॉर्टी देता हूं, जैसे मैंने 5 बार सीडीएस क्रैक किया है ना कंटिन्यूटी में, ठीक है, वैसे मैं करेक्ट करा सकता हूं, आपको मुझसे अमन 11 रेफर कोड पे यूज करना है, ठीक है। मैं डिफेंस के कोर्सेस अन अकेडमी में धमाकेदार तरीके से लेके आता हूँ, डिफेंस का बच्चा सारा, चाहे डीआरडीओ एफकेट किसी भी एनडीए के एग्जाम, कोई भी डिफेंस एग्जाम है, अमन 11 इसकी जो क्लास होती है 4 PM पे होती है, दिमाग में रखा 4 PM पे। मैं रेलवे एसएससी और डिफेंस में क्लासेस लेके आता हूँ अन अकेडमी पे, अमनदीप शर्मा मेरा अकाउंट नेम है, सर्च करो अन अकेडमी पे और जुड़ो, सुबह 9 बजे मेरी क्लास होगी, फ्री क्लास, वो क्लास जरूर देखना, सुबह 9 बजे वाली अन अकेडमी फ्री लाइव क्लास। हाँ भाई यार ये जो पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम जो है एक्सचेंज होते हैं वो किस टाइम पे होते हैं, बड़ा क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई जब क्रॉस ओवर करते हैं ना, जिसकी वजह से 4 बनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से 4 बनते हैं, एक्स 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 वाई एक्स वाई बनता है, ठीक है, दिमाग में रखेगा। एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया, अगर यूरिया और वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड में इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे यूरेमिया होता है, उससे क्या होता है, यूरेमिया होता है, दिमाग में रखे, उससे क्या होता है, यूरेमिया होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यूरेमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलेस्ट्रॉल बॉडी कंटेन हीलियम 4, कौन सी कोलेस्ट्रॉल बॉडी है जिसमें हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में, हमारी पृथ्वी है जिसमें हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में, दिमाग में रखेगा, हीलियम 4 अर्थ में ही है। विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस, मैं आपको एक चीज आपको बता रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चन मेरे को एकदम टिप्स पे है, इसका कारण बस यही है, मैं इसको बहुत बारी रिवाइज कर चुका हूँ, बहुत बारी पढ़ा चुका हूँ। बच्चों ये जो टेलीग्राम चैनल आ रहा है ना नीचे, अमन सर वाईफाई स्टोर ऑफिशियल, इसको पीडीएफ को डाउनलोड करना, इसे ज्वाइन कर लो, ठीक है, अन अकेडमी मुझसे जुड़ो, ये सब चीजें मैं आपके टिप्स पे करा दूंगा, कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। जल्दी से बताइए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था प्रीएम्बल के लिए, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, वी ऑलवेज सी द सरफेस ऑफ द मून, यार मून का हमें सरफेस ही दिखाई देता है क्योंकि हमारा जो रोटेशन का एक्सिस है वो सेम है अर्थ का, अर्थ के साथ का है, ठीक है। इट टेक्स द सेम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस मूविंग अराउंड द अर्थ, सेम टाइम लेता है, सिंपल सी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, द डार्केस्ट पार्ट ऑफ शेडो, देखो यार ये अभी जो सोलर एक्लिप्स हुआ था ना इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। उम्रा कहते हैं जो डार्केस्ट है लाइटेस्ट पार्ट होगा, पेनुम्रा इसका आंसर होगा, ठीक है, दिमाग में रखेगा, लाइटेस्ट होता सटे सब्सटेंस। हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या, मैंने अभी एक बोला था एक सब्सटेंस ऐसा है जो भैया हाई टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी करता है, लो टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। अब ये बोल रहा है कि भैया लो टेम्परेचर की बात आ रही है, ठीक है, सुपर कंडक्टर होगा अब आंसर, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को कंप्लीटली खत्म कर देता है, इसकी वजह से आंसर क्या, सुपर कंडक्टर है। अगर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आता तो सेमी कंडक्टर आंसर हो जाता। हाँ भाई पुलित्जर प्राइज कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएगा आंसर क्या इसका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है पुलित्जर प्राइज कराती है, दिमाग में रखिएगा, पुलित्जर प्राइज किसके द्वारा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी।
क्यू जो वर्ड है ये कौन सी गेम के लिए, बिलियार्ड गेम के लिए, दिमाग पर रखेगा। हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करेगा, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए ये सोशलिस्ट सेकुलर यूनिटी ये सब वर्ड जो है ऐड किए गए थे, मैंने अभी बताया था 42nd अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट हुआ था प्रीएम्बल में, एब्सोल्यूट जीरो ये हो चुका है क्वेश्चन, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, स्किप मारेंगे इस क्वेश्चन को, हाँ स्किप मारेंगे। हाँ भाई ओलंपिक, कौन से ओलंपिक में पहली बार किसी महिला ने पार्टिसिपेट किया था, पेरिस ओलंपिक 1900 ठीक है मैं जो हुए थे उसमें पहली बार महिला ने, व्हाट इज मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, सेकुलर होने का मतलब स्टेट का कुछ भी ऐसा रिलीजन नहीं है खुद का, ठीक है स्टेट जो रिलीजन है उसको प्राइवेट अफेयर मानती है, ठीक है द टर्म वी इन द प्रीएम्बल क्या कहता है, हमारे लोगों को कहता है, ठीक है पब्लिक ऑफ इंडिया कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय अटेन आवरसेल्फ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिस्क्राइब इंडिया दिस 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 दिस, ठीक है ऐसे प्रीएम्बल रटा था, हम यूपीएससी की तरफ तैयारी कर रहा होता ना उसके दिमाग में यही चीजें रहती है प्रीएम्बल में क्या क्या लिखा हुआ। चलिए हाँ भाई विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द सुपर 30, ये भैया मूवी आप जानते हो लेकिन उत्तराखंड के द्वारा सुपर 30 स्टार्ट किया गया, ठीक है स्कीम स्टार्ट की, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डिस्क्राइब इंडिया एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सब कुछ बताता है, आंसर ये है, ठीक है सुपरनोवा क्या है, क्या है जल्दी से बताइए, सुपरनोवा क्या है कमेंट करेगा, सुपरनोवा क्या है जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो यार सुपरनोवा क्या है, ब्लैक होल है, ठीक है दिमाग पड़ेगा, अर्थ कितने डिग्री पे टिल्ट हो रखा है, एसिड टिल्ट हो रखा है कितने पे, 2-3.5 है बिल्कुल, द व्हाइट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन आई जो आंखों का व्हाइट पोर्शन है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। यार जब मून और सन का एक अर्थ है और उसपे मून और सन का पूरा इंपैक्ट पड़ रहा है तो भैया उससे टाइड बनते हैं, ठीक है टाइड बनते हैं, दिमाग पर क्या ज्वार बनता है, ठीक है टाइड्स इसी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है सेशन को लाइक शेयर करते जाना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और दिमाग में रखना मेरा जो सुबह 6 बजे वाला सेशन है, मैं हमेशा सुबह 6 बजे एक सेशन कराता हूँ जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर स्पेशल सेशन के नाम से मिलता है, जिसमें उसकी डेट लिखी होती है कि आज का स्पेशल सेशन इस डेट का क्या है, उसको देखना चाहे सुबह देखो दोपहर देखो शाम देखो कभी भी देखो, देखो जरूर कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज गलवान वैली पे था कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह 6 बजे वाला सेशन मेरे टेलीग्राम पे ढूंढो कि कहां पे है सर का सुबह वाला सेशन, उसको देखो 15 मिनट लगेंगे, देखना जरूरी है, ठीक है दिमाग में रखना कल का मस्त इंपॉर्टेंट सेशन है। कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है भैया, हार्ट से संबंधित है। हाँ भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसफी है सारी किस पे है भैया, प्रीएम्बल में दिखा रखी है, विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 60% करता है, वाई व्हाइट क्लोथ हम सफेद कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि इट रिफ्लेक्ट होल द लाइट, ठीक है रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है स्वीटी बढ़ा रहा हूँ, वट इज द पॉपुलर सॉवरिटी, सॉवरिटी का मतलब क्या है कि जो डोमिनेशन हो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, लोगों के जो प्रतिनिधित्व है उनका डोमिनेशन होना चाहिए, ठीक है आंसर क्या है, 20 का आंसर है, विच ऑफ द हार्मोन हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ लीफ फ्लोवर प्रोटीन, मैंने आपने कल क्वेश्चन कराया था साइटोकिनिन इसका आंसर है, कल ये क्वेश्चन हो गया था साइटोकिनिन इसका क्या है आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, मेटल यूज फॉर वायर एट द डोमेस्टिक लेवल, कौन सा यूज किया जाता है, कॉपर वायर को डोमेस्टिक लेवल पे घरेलू आमतौर पे यूज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का कब बना था, 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ठीक है 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। ठीक है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सैलरी जो हमारे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको सैलरी कौन से आर्टिकल के थ्रू मिलती है, 106 के तहत मिलती है, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ भाई फेलोशिप इज, सब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना भैया क्योंकि भैया हमारे देश में फ्रेटर्निटी है भाईचारा है। ठीक है द फर्स्ट कंट्री विच अडॉप्टेड द प्रीएम्बल फॉर इट्स रिटर्न, यूएसए ने प्रीएम्बल लिया था। ठीक है मैसेंजर सैटेलाइट किसके लिए थी, एम से लेके एम और एम से लेके मरकरी, तो आंसर क्या है मैसेंजर सैटेलाइट। ये क्वेश्चंस पढ़े हैं ठीक है रिवाइज करे हैं बार बार दिमाग में डालें तभी क्वेश्चन के आंसर आते हैं। ठीक है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि हमने इसको बार बार रिवाइज किया है, रिवाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको बताता हूँ मेरा जो शेड्यूल है, अभी मैं क्लास के एंड पे, क्लास का एंड अभी आधा घंटे में हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको अपना शेड्यूल बताता हूँ, शेड्यूल को फॉलो करना आपका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है दिमाग पर गया, विच स्टेट इज ऑल सेट टू बिकम द स्मोक फ्री, भैया केरला स्टेट है स्मोक फ्री,
ठीक है, रोम कहां पे? टीबर नदी के किनारे पर। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एज द लार्ज वैल्यू स्पेसिफिकेट। जब भी स्पेसिफिकेट आए तो वाटर आंसर लगाना, ठीक है, वाटर आंसर लगाना। टाइड किसकी वजह से होता है? देखो अभी बोला सन और मून का इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से, दिमाग में रखेगा, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं सन और मून के इफेक्ट की वजह से। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमीशन? प्रीएम्बल किसने? जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में प्रीएम्बल को प्रपोज किया था, दिमाग में रखेगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू। द मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो हमारी चाय की पत्ती होती है ना उसमें क्या होता है? कैफीन होता है। भैया चाय तो पीनी चाहिए, ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं चाय नहीं पीनी चाहिए। क्या जिंदगी क्या है चाय के बिना, ठीक है, जिंदगी खराब है, बेकार है चाय के बिना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार, चाय इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, जानवरों को जो फूड और माउथ डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है, दिमाग में रखिएगा, वायरस की वजह से। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द हाउस फ्लाई? ठीक है, मक्खी में कितने होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 12, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, 12 होते हैं, ठीक है, 12 होते हैं, दिमाग में रखिएगा। कैफीन का कंजम्पशन अलग से ना करें, चाय में मिलती है तो पी लो, अलग से मत करना गलती से। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन द सैमन? जल्दी से बताएगा, सैमन में हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं? जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सैमन? आंसर क्या है इसका? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। व्हाट इज द नेम मिडनाइट सन का मतलब क्या है? कि भैया जो हमारा शाइनिंग है सन, ठीक है, दिमाग में रखेगा, सन शाइन करता है आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में, ठीक है, पूरे टाइम। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द डेफन? बड़ा आसान क्वेश्चन है, सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है विस्थापन होता है, विस्थापन होता है। ये हो गया फ्रेटर्निटी वाला। When does tide rise in sea? जल्दी से बताएगा, जो rise करती है sea में, जो मतलब समुद्र में जो लहरें एकदम ऊपर हो जाती हैं, वो किसकी वजह से? फुल मून और हाफ मून के टाइम पे। फुल मून और हाफ मून के टाइम पे टाइड सबसे ज्यादा हाइट पे होती है, दिमाग में रखेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द पर्पस ऑफ चोक इन द फ्लोरोसेंट? ये क्या करता है? जो इसका करंट का फ्लो होता है ना उसको कम करता है, जो चोक होता है फ्लोरोसेंट लैम्प में, जो जो करंट है उसको कम करता है, दिमाग में रखेगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर, द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड? क्या कहते हैं इसे? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है इसका? मेटलर्जी कहते हैं। सेम क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं, एटमॉस्फेयर की स्टडी को मेटलर्जी कहते हैं। मियोसिस वन के टाइम पे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे अगर ये एक्स एक्स है ना तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मियोसिस वन में, तो ये हाफ हो गया ना बच्चे, आंसर क्या होगा? हाफ हो गया। मियोसिस वन के टाइम पे क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हाफ हो जाता है। यार पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बहुत बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये जो स्क्रीन आ रही है ना नीचे, इसमें लिखा हुआ है, टेलीग्राम चैनल है हमारा अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, पीडीएफ आपको इसी में मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे आपको पीडीएफ मिलेगी। और जो मैं सुबह 6 बजे एक सेशन कराता हूं उसका लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आउटर पार्ट ऑफ किडनी, किडनी का जो आउटर पार्ट है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। देखते हैं और क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कस्टम ड्यूटी ऑब्स्टेकल? देखो यार कस्टम ड्यूटी होता है कि हम किसी चीज में रुकावट लाएं, ठीक है, बाहर से कुछ आ रहा है पहले उसमें कस्टम ड्यूटी लगा के उसमें उसे महंगा कर देंगे। अभी इट इज नॉट द ऑब्स्टेकल, डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी यूनिफॉर्मली, ठीक है, दिमाग रहेगा। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में किसका यूनिट? किसका? मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट। किसका? मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है टेस्ला। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये कल वाला हो गया, इट्स नॉट मार्ले मिंटो, इट्स गोरले मिंटो, इट्स 1909 इसका आंसर है। स्कैबीज इंपॉर्टेंट है यार, स्कैबीज विच, इन स्कैबीज विच ऑर्गन ऑफ बॉडी गेट इन्फेक्टेड? भैया कौन सी बॉडी पे क्या बोलते हैं असर पड़ता है? स्किन पे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, स्कैबीज अ स्किन प्रॉब्लम, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, स्किन प्रॉब्लम होती है। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर इन पब्लिक अकाउंट? यार देखो कल मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का आपको बता गया था 15 मेंबर, ठीक है, अब लोकसभा का बोला गया तो भैया 15 ही है, ठीक है, दिमाग में रखिए 15 ही है, ठीक है, क्योंकि यार हम पैसों की बात कर रहे हैं, उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी काम करेगी ना, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? कौन सा नहीं है? सोडियम नहीं है, बाकी सारे हाउ मेनी जियो? देखो यार एक अर्थ के साथ में ना कितनी जियो सैटेलाइट लगते हैं? एक,
दो और तीन लगती है, दिमाग में रखिए कितनी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लगती है, तीन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लगती है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कितनी, तीन लगती है, ठीक है। हु गेव द रूल ऑफ जेनेटिक्स, किसके द्वारा, जॉर्ज मेंडल के द्वारा दिया गया, ठीक है। देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज कलेक्टेड एंड यूटिलाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट और यूटिलाइज करती है, कौन सा, लैंड रेवेन्यू हमेशा, ठीक है, दिमाग में रखिए लैंड रेवेन्यू हमेशा। डे एंड नाइट आर सिमिलर एट, कहां पे, इक्वेटर पे, जो हमारा ये जो होता है ना, ठीक है, ये जो होता है इसमें इक्वेटर डे और नाइट का इक्वल होता है, ठीक है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, और हमारे लिए दिन और रात इक्वल होनी चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे के लिए दिन और रात इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में भी पढ़ो रात को भी पढ़ो, भाई मैं आपको अभी बताता हूँ एफिशिएंसी माइंड की सबसे जरूरी है, जिसके लिए आप अगर आप दिन में पढ़ते हो तो रात को आप तसल्ली से सो, ठीक है, अगर आप रात को पढ़ते हो तो दिन में तसल्ली से सो, ठीक है, सो जरूर, ऐसा नहीं कि भैया मतलब सोना छोड़ दो, ठीक है, पढ़ाई का मतलब होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आएगी तभी तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। हाँ भाई, वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इन प्रियम्बल, आसान है। हाँ, वेन प्लान डेवलप्ड, हमारा जो सबसे पहला जो नियोजित विकास मॉडल आया था वो कब आया था, 1951 में आया था, ठीक है, 1951 में आया था। हाँ भाई, इसमें से कौन सा यूनियन लिस्ट में नहीं आएगा, पब्लिक हेल्थ नहीं आएगा, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 2018 में गोल्डन मैन बुकर प्राइज किसे मिला था, किस, कौन से नोबल को, अच्छा जी, किसे, द इंग्लिश पेशेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंप्लीट करने के लिए क्या, एस्ट्रोजन, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, फीमेल में एस्ट्रोजन, ठीक है, मेल का पता ही आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लीट यूवी रेडिएशन इज इक्वल टू ओजोन, आंसर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कितने हॉटस्पॉट है इंडिया में, देखो यार इसमें आंसर चार दे रखा है, ठीक है, लेकिन अपन लोग ना तीन आंसर लगाएंगे, अभी तक आंसर तीन है, ठीक है, तीन आंसर रखना, चार मत रखना, ठीक है, दिमाग में रखेगा, चार आंसर मत रखना, तीन आंसर रखना, हॉटस्पॉट अपना तीन है, ठीक है। अभी तक तो भैया किताबें यही कहती है तीन है, कुछ कुछ चार भी कहते हैं, डे एंड नाइट यह भी हो गया, ठीक है। दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से, हमारा जो अर्थ रोटेट करता है ना उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है, दिमाग पर रखे, दिन और रात अर्थ के रोटेशन की वजह से। देखते हैं अगर क्वेश्चन, लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ, किसकी वजह से, किसकी वजह से, साइटोकिनिन से बचाव हो सकता है, ठीक है, लीफ फॉल का। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, नबार्ड वाज एस्टेब्लिश इन, कब हुआ था नबार्ड, 1982 में नबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था मुंबई में, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये एग्रीकल्चर के लिए इंस्टीट्यूशन है। कोलंबिया की कैपिटल कौन सी है, बोगोटा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, डोगरी लैंग्वेज में इसे कहते हैं बोगोटा, ठीक है, ऐसे इसको बोगोटा कहते हैं, ठीक है, कोई जम्मू वाला होगा तो इसे समझ रहा होगा कि कैसे बोलते हैं इसे, बोगोटा। चलिए छड़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल वर्ड को नहीं यूज किया गया यार कहीं पे भी, फेडरल वर्ड को कहीं नहीं यूज किया गया, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। मैग्नेटिक कीपर के जो पीसीस होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, वो किसके बने होते हैं, ये हाँ भाई इस क्लास का दिमाग में रखना, आप मेरी जो टॉपिक वाइज क्लास होती है ना वो 5:30 बजे डेली देख सकते हो, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, नोट डाउन कर लेना आज मेरी क्लास सारी, 5:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर मैं दोपहर को क्लास लेके आता हूँ, फास्ट ट्रैक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डेली पर्टिकुलर टॉपिक पे। हमारी कल से हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, ठीक है, हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है 5:30 बजे, कल पहली क्लास है हिस्ट्री की, तो आप पहली क्लास से 5:30 बजे जुड़ सकते हो, नोट डाउन कर लेना जितने बच्चे देख रहे हैं, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर 5:30 बजे, ठीक है, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। वेयर इज द, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस, कहां पे लिखा हुआ है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। लो टाइड्स क्या होती है, ये वीक टाइड्स होती है, ठीक है, दिमाग पर रखिए। स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम, अब भैया सबसे मिनिमम किसमें होगी, जहां पे क्या बोलते हैं डेंसिटी कम होगी, अब डेंसिटी इसमें से कम है किसमें, जल्दी से बताएगा, सी वाटर में सबसे ज्यादा, मरकरी में भी होगी, चलिए आंसर क्या, अल्कोहल में इसमें डेंसिटी सबसे कम है। कोलेगेन क्या है, जल्दी से बताएगा, कोलेगेन क्या है, कमेंट करिए, व्हाट इज कोलेगेन, मैं शेड्यूल बता दूंगा क्लास के एंड में, 2 मिनट लूंगा आपके, मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक डेली आता है, ये जो नीचे टेलीग्राम चैनल लिखा ना अमन सर वाईफाई स्टडी, इस पे डेली आता है लिंक, ठीक है, हर एक क्लास का, सुबह 6 बजे पहला लिंक आएगा, बेस्ट क्लास सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सुबह 6 बजे वाली क्लास, उसके बाद आपकी उस क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है, मैं आपको शेड्यूल अभी बता दूंगा। इसका आंसर क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है ये, ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हाँ भाई क्या लिखा हुआ है,
क्रोमोसोम ऑफ फीमेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ऐसा कुछ नहीं है, मेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो आंसर डी है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज इन द प्रीएम्बल, कौन सी, हाँ भाई क्या नहीं यूज किया गया, यूनियन वर्ड नहीं यूज किया गया कहीं पे भी, ठीक है। इन हाउ मच टाइम अर्थ रोटेट वन एक्सिस, एक एक्सिस पे रोटेट कितने टाइम पे, इतना भैया ये एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, जितना एक दिन होता है 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है, 4.9 सेकंड, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर दे, अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, ठीक है, धर्म निरपेक्ष, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, अर्थ की सर्कमफेरेंस क्या है, 40,000 किलोमीटर, ठीक है, 40,000 किलोमीटर, ठीक है। जिसको खाना खाना है भैया, देखो आधा घंटा है हमारे पास, आधे घंटे में हम या तो खाना खा लें या क्वेश्चंस को कवर कर लें, 100 क्वेश्चन बचे हैं, 100 के 100 खत्म कर लेंगे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। मैं 100 क्वेश्चन डेली कराता हूँ लाइव टेस्ट में 9:30 बजे, दिमाग में रखेगा 9:30 बजे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इसमें से इंसुलेटर कौन सा, वुड इज एन इंसुलेटर, देखते हैं। प्रीएम्बल में कौन सा आइडियल नहीं डाला गया था, जब प्रीएम्बल को बनाया गया था सोशलिस्ट, इसको अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया, ठीक है, इसको अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन, जो बच्चा सेशन को छोड़ के जा रहा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता हुआ जाए, टेलीग्राम सर्च करता हुआ जाए, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल जुड़ता हुआ जाए, क्योंकि ये हम सैटरडे संडे को लाते हैं और मेरी जो डेली शेड्यूल क्लास होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन दैट वाज बेरी बेरी थायमिन करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको नहीं दे रखा, एडल्ट सरफेस वर्ड नहीं यूज करा हुआ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रुप ऑफ पॉलीसेक्राइड, कौन सा नहीं है इसमें से, सेलुलोज जिलेटिन इज नॉट द पॉलीसेक्राइड, बिकॉज दीज आर द मोनोमर्स, दीज आर द मोनोमर्स, इसकी वजह से ये पॉलीसेक्राइड नहीं है, ठीक है, दिमाग में रहेगा। लिंक आ जाएगा सुबह वाली 6 बजे वाली क्लास का, लिंक टेलीग्राम चैनल पे स्पेशल सेशन के नाम से आता है विद द डेट, कि कल की डेट 22 है तो कल का 22 स्पेशल सेशन, ठीक है। वेयर सेकंड जैम काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज, कहां पे भैया, वैशाली आरबीपी के, ड्यूरिंग फूड डाइजेशन फूड एंटर इन द एलिमेंट्री क्लान, किसके थ्रू, इंजेशन के थ्रू, हमारे एलिमेंट्री क्लान में जो फूड जाता है वो किसके थ्रू, किसके थ्रू, इंजेशन के थ्रू, ठीक है। When and where did the concept of Earth are started? कहाँ पे, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया गया था मार्च 2007 में, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ वाइस प्रेजिडेंट इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अमेरिका इज पावर प्लस प्लस और अमेरिका से इसे लिया गया। देखते हैं एक और क्वेश्चन, द मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यार देखो डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, इनकम पर पड़ता है, क्योंकि हम इनकम से ही अपनी क्या है, इनकम टैक्स देते हैं, दिमाग में रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, अंडर विच पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यार देखो प्रेसिडेंट कौन सी पार्डनिंग पावर के टाइम्स को यूज करके रिड्यूस करते हैं सेंटेंस को, मतलब उम्र कैद है तो उसको 10 साल कर दिया, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर, किसके थ्रू, कैरेक्टर चेंज नहीं करा, टाइम ड्यूरेशन चेंज कर दी, रेमिशन में, ठीक है, दिमाग में रखिए। फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज द कार्बन टैक्स किसने किया था, न्यूजीलैंड ने किया था, आज बचा हुआ न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी आर देयर इन, ठीक है, इंडिया में 11 है, पहले 10 थी, एक और ऐड करके, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, भाई सेशन को लाइक और शेयर कर देना जितने बच्चे देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, हु विल बी इलेक्टेड एज द डिप्यूटी चेयरमैन। चलिए छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए हमारे फंडामेंटल राइट में इसमें से एक स्टेटमेंट दे रखी है और वो स्टेटमेंट ये दे रखी है कि हमें जो हमारे आइडियल्स है, जो फ्रीडम मूवमेंट्स के हैं, उसको क्या है, शेयर करना चाहिए। चलिए, अमंग द फॉलोइंग स्टेट दैट has the lowest birth rate in India, किसमें lowest birth rate है, केरला में है, सबसे lowest birth rate किसमें है, केरला में है, दिमाग में रखिएगा, केरला में सबसे lowest birth rate है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, who approve a bill, money bill के कौन अप्रूव करता है, स्पीकर करता है, ठीक है, दिमाग में रखिए, स्पीकर अप्रूव करता है। Which one of the following is an item included in the fundamental duty, अब fundamental duty में क्या है, ये है scientific temper, humanism, spirit of inquiry, इन सबको क्या है, बढ़ावा देना है, ठीक है। Which of the following, इस क्वेश्चन को देखना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा। Which of the following tax system will be help to reduce the economic inequality, देखो यार प्रोग्रेसिव टैक्स होगा ना, कि भैया जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे, तो भैया अपने आप इनइक्वालिटी खत्म होगी, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा, पार्लियामेंट में ये तीन चीजें होती है। अब मनी बिल लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा इसे 14 दिन के लिए रोक सकता है, उसके अलावा नहीं। मनी बिल अगर लोकसभा ने पास किया है तो राज्यसभा उसे 14 दिन के लिए रोक सकता है, ठीक है। क्लास में बता देता हूँ, क्लास मेरी कितने बजे होती है, दिमाग में रखें, क्लास का भी मैं अभी बता दूंगा। देखो
मेरी सबसे पहली क्लास तो सुबह 6 बजे होती है, जिसका टेलीग्राम चैनल पे लिंक आ जाता है, ठीक है। सुबह 6 बजे होती है टेलीग्राम चैनल। अभी 500 क्वेश्चन करना, जाना मत कोई सभी। 6 बजे टेलीग्राम चैनल पे लिंक आ जाता है। 9 बजे मैं सुबह अन अकेडमी की फ्री क्लास लेता हूँ। अन अकेडमी की फ्री क्लास होती है हमारी, ठीक है। आप अन अकेडमी पे सर्च करो अमनदीप शर्मा, या मेरे टेलीग्राम पे सुबह 9 बजे देख लेना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है अन अकेडमी की। फिर 5:30 बजे क्लास होगी, 5:30 बजे क्लास होगी दोपहर की, जो मैंने आपको बताया। फिर रात को 8:30, फिर 9:30 बजे, ठीक है। क्लासेस बहुत है, सुबह 6 बजे वाली क्लास देख लेना, इसके साथ आपको सारी पता चल जाएगी। क्या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 14 दिन इसका आंसर। फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी। हाँ भाई, कब इंसर्ट किया गया था? 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया था। छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को आंसर। विदाउट द फॉलोइंग बिल कैन नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम राज्यसभा। मनी बिल को कभी ओरिजिनेट किया जाता है राज्यसभा से? विच वर्ल्ड हाइटेस्ट साइट कम्प्राइज ऑफ द टॉम ऑफ इल्तुतमिश? क्या है? कुतुब मीनार, जिसमें इल्तुतमिश का टॉम है। बाय विच बिल गवर्नमेंट प्रेजेंट अ प्रपोजल ऑफ एनुअल रिवेन्यू कलेक्शन? कौन सा होता है? वो फाइनेंस बिल होता है। वो मनी बिल कभी भी नहीं होता, वो एक फाइनेंस बिल होता है, दिमाग में रखेगा। वो एक फाइनेंस बिल होता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इसको। हाँ भाई, सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है? सेमी परमिएबल। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे। नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किससे भैया, किससे? बोट रेस से संबंधित है। साउथ में जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन कहां पे? फतेहपुर सीकरी, ठीक है। छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ये क्वेश्चन ना इकोनॉमिक्स का है, कोई कंसेप्ट आएगा तब समझाऊंगा, ऐसे फायदा नहीं है इस क्वेश्चन का, इसको ऐसे स्किप करो। हु इलेक्टेड द मेंबर ऑफ राज्यसभा? अब इंपॉर्टेंट है, कौन इलेक्ट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही जो है राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए देखते हैं गुरु क्वेश्चन इसी बात पे। रेफर कोड, देखो यार, अन अकेडमी पे आप जब भी जुड़ोगे अमन 11 रेफर कोड यूज करके आप जुड़ेंगे, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं। बाकी मेरे कोर्स डिटेल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है इसी, जो टेलीग्राम चैनल नीचे आ रहा है उसमें आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में कितनी सीट रिजर्व है? 131 सीट जो है रिजर्व है, 131 सीट जो है रिजर्व है। द अर्थ रोटेट कितने डिग्री, कितने डिग्री पे? 230 इतने डिग्री पे, ठीक है, 23.5 डिग्री पे ये रोटेट करता है अर्थ, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर प्योर वाटर फ्रीज? 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, दिमाग में रखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, फेरेनहाइट पूछा है, फेरेनहाइट पूछा है 32, और अगर डिग्री सेल्सियस पूछा होता तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फेरेनहाइट पूछा है तो 32 फेरेनहाइट, और अगर डिग्री सेल्सियस पूछा होता तो 0 डिग्री फेरेनहाइट इसका होता है, ठीक है, दिमाग में रखिए। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताए। टैक्स ऑन द प्रोफेशन कैन बी डिवाइड बाय, कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट लेती है टैक्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय, कौन सस्पेंड कर सकता है इसे? प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं, दिमाग में रखिएगा। फंडामेंटल राइट को कौन सस्पेंड करता है? प्रेसिडेंट सस्पेंड करते हैं। चलिए देखते हैं। विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइज ऑफ अली दरवाजा गेट? इसमें कुतुब मीनार में, ज्यादातर चीजें कुतुब मीनार में लगी हुई है, ठीक है, लेकिन इतना कुछ विजुअल है नहीं है कुतुब मीनार का, बस हम उधर जाके एक फोटो खिंचवा सकते हैं, कुतुब मीनार इतना बड़ा दिखाई देगा और हम इसको ऐसे पोज बनाएंगे और हमें ऐसा लगेगा कुतुब मीनार हमसे भी छोटा है। दिस इज द बस पोज है जो कुतुब मीनार में टारगेटेड होता है। सेकुलर स्टेट इज वन जिसमें भैया रिलीजन नहीं होता अपना खुद का, ठीक है, जैसे पाकिस्तान इज अ नॉन सेकुलर, तो वहां पे पाकिस्तान का रिलीजन है मुस्लिम। हु इज द सुप्रीम सिविल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया के सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे? मेट्रोइक एसिड कहते हैं, मेट्रोइक एसिड। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट? कस्टोडियन कौन है, दिमाग में रखिएगा। ए भी है हाई कोर्ट भी, और बी भी है सुप्रीम कोर्ट भी। भैया फंडामेंटल राइट जो होते हैं उसकी वजह रिट जो यूज करते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। वेयर डू रिवर भगीरथी अलकनंदा कहां में मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड, किस टाइम? एमरजेंसी के टाइम पे, नेशनल एमरजेंसी के टाइम पे जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो सकते हैं, दिमाग में रखेगा। जितने बच्चे देख रहे हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन है, ठीक है। टैक्स ऑन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? स्टेट ड्यूटी कहते हैं, और वो देते भी है। टैक्स के क्वेश्चन मत करो, क्योंकि ना टैक्स के क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि जीएसटी लग के ना ये सारे टैक्स खत्म हो चुके, इसलिए नहीं करा रहा, ठीक है, दिमाग में रहेगा।
पंजाब हैज लार्ज नंबर ऑफ इंड्यूशन कैनाल ड्रॉइंग वॉटर फ्रॉम, पंजाब किससे सबसे ज्यादा पानी लेता है, सतलुज से लेता है ठीक है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग, छोड़ेंगे टैक्स वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे आप ठीक है, दिमाग भरेगा। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, आसान है, प्रियम्बल को कहा जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। टैक्स वाला क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूं, जीएसटी में सब कुछ आ गया तो इन क्वेश्चंस का फायदा नहीं होगा। पार्लियामेंट कंडक्ट देयर सेशन ईच ईयर, कितने, तीन सेशन होते हैं ठीक है, बजट, विंटर और समर ठीक है, दिमाग पर गया। अंडर हूज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसके समय बनी, आचार्य नरेंद्र बोस पीसी जोशी के टाइम पे बनी थी ठीक है, दिमाग पर रखेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर, व्हेन वाज द इंसुलेशन कोंकण रेलवे कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1998, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे 1998 में ठीक है, दिमाग में रहेगा 1998 में ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल, यार गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, मैंडेमस भैया अपना काम करो, परमादेश जिसे हम कहते हैं, अपना काम ढंग से करो, नहीं तो भैया सरकारी नौकरी भी जाने के चांसेस होते हैं ठीक है। कस्टम ड्यूटी इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कस्टम ड्यूटी कस्टम टैक्स लगाते हैं ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सुहरावर्दी ऑर्डर, कौन, शेख बहुद्दीन जकारिया सुहरावर्दी ऑर्डर, वेयर, ये नाटो 2018 छोड़ेंगे। इंडिया के प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, देखो यार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्ट होते हैं, दिमाग पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके कितने पार्ट है बताइएगा, चलिए आंसर क्या है, छह पार्ट है, कितने, छह। देखिए हम जो गर्मियों में जो मड हाउस होते हैं वो ठंडे होते हैं और सर्दियों में वार्म हो जाते हैं, उसका कारण क्या है, मड इज अ गुड इंसुलेटर, मड क्या है, जो मड होता है मिट्टी होती है वो गुड इंसुलेटर है इसी वजह से। हाँ भाई, विच आर्टिकल स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर आर्टिकल 51A ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक, राइट डायरेक्ट्स द ड्यूटी, कंटेन द अपोज, डिस्टर्ब द ड्यूटी, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या राइट डायरेक्ट्स द ड्यूटी, जिसको क्या बोलते हैं, राइट अधिकार मिलेंगे उसे कर्तव्य भी मिलेंगे। इन विच ईयर इंडिया रूप, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, मोती मस्जिद कहां पे सिचुएटेड है, कहां पे, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है, ऑल ऑफ ये क्वेश्चन स्किप मारेंगे। देखो यार जो टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो स्किप कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसका फायदा नहीं रहेगा, जैसे इस इनवाइट और ये सब इनका फायदा नहीं रहेगा, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को ठीक है। टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्साइज ड्यूटी भी स्किप। पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करेगा, वो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं जो मैंने अभी तक वही क्वेश्चन छोड़े जो टैक्स से रिलेटेड है, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, अब जीएसटी का क्वेश्चन आएगा। पार्ट 20 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका से लिया गया था ठीक है। What is the name of upper house of Indian Constitution? राज्यसभा कहते हैं ठीक है। What is the maximum number of member of राज्यसभा, कितने होते हैं, 350 ठीक है। What is the tax है, छोड़ेंगे skip मारेंगे tax। Proton speaker का काम क्या होता है, important question है, proton speaker का क्या काम होता है जल्दी से बताइएगा यार। जो भी बच्चा देख रहा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता हुआ जाना, वैसे तो क्लास एंड होने दो पूरी, 500 क्वेश्चन होने दो, मैं टाइम टेबल अपना बता दूंगा, उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसके बाद कहना जयराम जी की ठीक है, समझ रहे हो ठीक है। प्रोटम स्पीकर का क्या काम होता है, प्रोटम स्पीकर क्या करते हैं भैया, जो मेंबर आने वाले हैं उनको शपथ दिलाते हैं, और रेगुलर स्पीकर जब तक नहीं आता तब तक होल्ड करते हैं चार्ज। जो भी बच्चा देख रहा है इस चीज को दिमाग में रखना, मेरे शेड्यूल का हिस्सा है, आप मुझसे डेली लाइव टेस्ट कर सकते हो, 100 क्वेश्चन मैं डेली कराता हूं, यहां मैं 500 करा रहा हूं लेकिन 100 क्वेश्चन मैं डेली कराता हूं। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर स्क्रीनशॉट कर लेना, रात को साढ़े नौ बजे डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, 30 मिनट में डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 9:30 बजे डेली आप 100 क्वेश्चन लाइव टेस्ट देखते हो, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे इसमें 9:30 बजे। टेलीग्राम चैनल ये जो आ रहा है इसमें आपको लिंक मिल जाएगा, 9:30 बजे रात को 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट स्टूडियोज पर ठीक है, दिमाग पर रखेगा। बुलंद दरवाजा कहां पे ठीक है, फतेहपुर सीकरी। हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड एंड्रस सेल्सियस के द्वारा, हवाला का मतलब क्या होता है, इलीगल ट्रेड ऑफ फॉरेन करेंसी ठीक है, इलीगल ट्रेड ऑफ फॉरेन करेंसी होता है हवाला का मतलब ठीक है, सब पता है तन में, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हें तो आदत होगी है कि सर से ही पढ़ना है, चलो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, जो सुबह वाली क्लास है वो स्किप मत करो। खास महल एंड शीश महल ये कहां पे बनाए गए, आगरा फोर्ट में बनाए गए। MRI के फ्लोर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है ठीक है। द टर्म डंपिंग, डंपिंग जैसे चाइना करता है, चाइना की मैं पोल खोलूंगा
सुबह 6 बजे वाले सेशन में मैं परसों तरसों में चाइना की हद से ज्यादा पोल खोल दूंगा, कैसे चाइना क्या क्या कर रहा है, क्यों हमें इनके प्रोडक्ट्स को छोड़ना चाहिए या क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, व्हाट विल बी द इंपैक्ट, गुड और नेगेटिव इंपैक्ट, ये सब देखेंगे। फॉरेन मार्केट में अपने कॉमोडिटी को अपने लोअर प्राइस पे बेच देना डंपिंग होता है, ठीक है। देखो कल सुबह का इंपॉर्टेंट इशू, कल सुबह 6 बजे ये आएगा, डेली सुबह 6 बजे मैं 15 मिनट की एक वीडियो लेके आता हूं, भारत अचानक खरीद रहा है रूस से 21 MiG-20 और 20 और 12 के अराउंड SU-30। मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा किस वजह से क्या इंपैक्ट होगा, चाइना क्यों हमारे पंगा ले रहा है, क्या इसका कारण है अचानक से रूस से ये खरीदना, ठीक है। MiG-20 है क्या, ठीक है, MiG-29 क्या है, SU-30 क्या है, कौन से देश बनाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कितने बजे, सुबह 6 बजे टेलीग्राम चैनल पे इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको पूरी, कभी भी देखो सुबह दोपहर शाम कभी भी देखो, लेकिन ये वीडियो देखो जरूर, 100% एक क्वेश्चन आएगा इस पे से MiG-29 SU-30 में से, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए देखेंगे कल सुबह वाला सेशन दोबारा 6 बजे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ भाई, किसे नेक्रोपोलिस ऑफ मुगल डायनेस्टी कहा जाता है, किसे, ठीक है, उत्तम हुमायूं टॉम, ठीक है, दिमाग पर रखें। एसेटिक बियर जो है ये कहां पे पाए जाते हैं, कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, नंदा देवी और वैली फ्लावर, ठीक है, दिमाग पर रखेगा। हेल्थी पर्सन कैन सी अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कितना नॉर्मली 25 सेंटीमीटर हेल्थी, इन लोकसभा टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, 530 होते हैं, आसान है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट यूटिलाइज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इनसाइड द मेटलर्जिकल, मेटलर्जिकल फर्नेस में क्या होता है टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, तो भैया ज्यादा है तो पैरामीटर यूज करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज अडोप्टेड, फंडामेंटल ड्यूटीज किससे अडोप्ट किया गया है, ठीक है यार, ये USSR से अडोप्ट किया गया है, दिमाग में रखेगा। हाँ भाई, दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती बहुत फेमस है, दिस इज सलीम चिश्ती दरगाह जो है ना यार, कहां पे पड़ती है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन, एक अलवर के पास भी, अलवर से होते हुए भी एक दरगाह पड़ती है, वो भी फेमस है, ठीक है। चलिए, लोकसभा इज द डैश हाउस ऑफ द लोअर हाउस है, थोड़ी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली रैंक्ड एज द महारत्न, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसमें से महारत्न है, तो इसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अभी मैं लास्ट में शेड्यूल बता दूंगा, वो शेड्यूल देख के जाना, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दिमाग में रखेगा। सब्सटेंस की डेंसिटी टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर है 4 डिग्री सेल्सियस, जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। चलिए ये टैक्स से रिलेटेड छोड़ेंगे। हाँ भाई, इनिशियल टेन्योर कितना था, 6 था, ठीक है, दिमाग में रखेगा, 6 था टेन्योर, जम्मू कश्मीर का आज भी 6 है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बैड थर्मल कंडक्टर, ग्लास इज अ बैड थर्मल कंडक्टर, ठीक है। जैवलिन थ्रो जिन्होंने, नीरज चोपड़ा है, इन्होंने पहला गोल्ड मेडल लिया था एशियन गेम्स में, उन्होंने ये गोल्ड मेडल अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या है, समर्पित किया है, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी बच्चा देख रहा है अनअकैडमी में, मेरे कोर्स जो आ रहे हैं ना, प्लस कोर्सेज जो है, रेलवे वाले तैयार हो जाना, नया कोर्स आ चुका है, SSC वालों के लिए नया कोर्स आ चुका है, डिफेंस वालों के लिए हमेशा कोर्स रहता है, मेरे कोर्स अनअकैडमी में फुल फ्लेज कोर्स है, ठीक है। अमन 11 रेफर कोड यूज करना है अनअकैडमी में आपको। टैक्स का क्वेश्चन स्किप मारेंगे। पब्लिक लिटिगेशन की बात होगी तो भैया आंसर क्या है, अगेंस्ट द जनरल टॉपिक, जैसे आपने जोली LLB देखी है, अगेंस्ट द जनरल टॉपिक है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑर्डर द हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू सोट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी स्कैश, आंसर बताएगा। देखो यार, सेंट्री आरो है, सेंट्री आरो कैसे, ठीक है, सेंट्री आरो ये है कि भैया अगर अपर कोर्ट ने कोई कहा है कि भैया लोअर कोर्ट का ये डिसीजन मानने नहीं है, तो भैया सेंट्री आरो लगाया जाएगा, उसकी वजह से जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसे क्या कर दिया जाएगा, स्कैश कर दिया जाएगा। चलिए, फंडामेंटल ड्यूटी आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, आंसर 42nd अमेंडमेंट, 4 आएगा, 42 आएगा, ठीक है, 42 आएगा, दिमाग पर रखेगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज अ एम्फोट्रिक ऑक्साइड, NCERT का क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोट्रिक ऑक्साइड, सेशन लाइक कर देना खेच के, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, पूरे टारगेट के नजदीक है, शेड्यूल देखे बिना कोई नहीं जाएगा, सेशन खत्म नहीं होगा जब तक शेड्यूल नहीं देखोगे पूरा, ठीक है, शेड्यूल आप देख लो। बहुत सारे बच्चे कहते हो हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ, ठीक है, आंसर क्या है, अंगर जो थे पहले डेप्यूटी स्पीकर थे। टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा पर्सन मस्ट बी एट लीस्ट 30 एज, ठीक है, 30 साल होने चाहिए, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज डैश, ठीक है, आंसर ये है 273.16,
विच अमेंडमेंट रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन, 86th अमेंडमेंट हुआ था राइट टू एजुकेशन से संबंधित। वुमेन मूव अराउंड द सन के अराउंड मूव करते हैं हमेशा, ठीक है, सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, आते हो अपने आखिर के क्वेश्चन में, शेड्यूल देखेंगे उसके बाद। हाँ भाई, टेम्पररी हाउस फॉर द स्ट्रक्चर आसान है, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, दिमाग में रखें, टेम्परेचर ही है, टेम्पररी है क्योंकि कभी भी बदल सकती है सरकारें। ठीक है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंटर में लोकसभा। चलिए शेड्यूल देखो, सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे क्लास लेके आता हूं जो 15 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, सारी क्लासेस मुझे मिल जाएंगी आपको टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे, जिसे आप सभी को जाना है। सबसे पहले सुबह 6 बजे वाला सेशन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर आता है, 15 मिनट का मस्ट है आप सभी के लिए। उसके बाद मैं 9 बजे अनअकैडमी की क्लास लेके आता हूं। अनअकैडमी की क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेगा। अनअकैडमी की ये सुबह वाली क्लास है, फ्री लाइव क्लास। अमनदीप शर्मा सर्च करना है, अनअकैडमी पे आप सर्च करिए अमनदीप शर्मा, क्या अमनदीप शर्मा सर्च करके आप फॉलो कर लीजिए एक बार, ठीक है, डिफेंस में एजुकेटर अमनदीप शर्मा फॉलो कर लीजिए, डिफेंस एसएससी रेलवे में अमनदीप शर्मा फॉलो कर लीजिए अकाउंट। सुबह 6 बजे ये अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास डेली होती है, टेलीग्राम चैनल पे लिंक, ठीक है। उसके बाद 5:30 बजे क्लास 50 क्वेश्चन की, कल से हिस्ट्री यहां पे स्टार्ट होगी, 8:30 बजे केमिस्ट्री चल रही है, चलती रहेगी। अभी लाइव टेस्ट हमेशा 9:30 बजे रात को लेके आता हूं, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, 9:30 बजे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद 11 बजे की थ्योरी। तो जितने बच्चे देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल को सर्च करो और ज्वाइन करो अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक करना। मिलेंगे सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे का सेशन इंपॉर्टेंट है, पहले वो देखेंगे और कमेंट करिएगा क्लास एंड होने के बाद, ठीक है। चलिए बाय बाय, सेशन को एंड करते हैं। भैया लाइक करिए सेशन को और जुड़िए मेरे